हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवानी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसे जैसे आपके एग्जाम की डेट नजदीक आ रही है, आपका जुनून, आपके हौसले में किसी तरीके की कोई कमी नहीं होगी। दिन ब दिन ये इंक्रीज होता जा रहा होगा और ये भी मेरा पूरा विश्वास है कि सभी स्टूडेंट्स ने ठान ली होगी कि इस बार तो पेपर को मैम क्रैक करके ही आएंगे। तो उसी के हिसाब से दिन रात सब एक करके लगे होंगे। एक बार बता दो, जो मैं आपसे आशा करती हूँ, क्या आप उस पे खरे उतर रहे हैं? और स्टूडेंट्स बताइए कि एक बार कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? हाय, गुड मॉर्निंग विजय, किंशु, सौरभ भाई, ये कल का क्वेश्चन है। हाउ आर यू जी? आई एम वेरी गुड, व्हाट अबाउट यू? रजनीश, हेलो प्रियंका, सारे स्टूडेंट जल्दी से आ जाइए, बिल्कुल अच्छे से। तैयारी कैसी चल रही है? ज्यादा सोते तो नहीं हो ना? कितना टाइम है हमारे पास? आज आपकी 2 तारीख है, एक हफ्ते की बात है बस, है ना। एक हफ्ते के लिए अपनी नींदों को थोड़ा साइड में कर दो, आती ही नहीं होगी। जैसा मैं सोच रही हूँ, अगर आप लोग सीरियस हैं अपने गोल के लिए और लेना चाहते हैं एक सीट, इस बार केवीएस क्रैक करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को तो नींद नहीं आती जिनके दिमाग में आपका केंद्रीय विद्यालय घूम रहा है। ये होना चाहिए, एक स्टेटमेंट होना चाहिए, और क्या रह गया? ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली, ऐसा कोई टॉपिक जो मेरे से रह गया हो, ऐसा कोई टॉपिक जो मैंने ना छुआ हो। मैम चल रही है, ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है, प्लीज एक बार बताइए। सर मनी, और अपने नेम से आईडी बनाया करो भाई, आप लोगों के नेम में बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। बिल्कुल मैम, सारी चीजें क्लियर हैं। 6 डेज की स्ट्रेटजी क्या है? तो जो भी ये समय हमारा क्या है, रिवीजन का है। और साथियों आप जानते हैं कि इस बार आपका पेपर अगर पास रिकॉर्ड देखें उसके कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप ही ऐसे नहीं है जिसको लिए पेपर जल्दी हो रहा है, सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 6 दिन में अब आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, जो भी आपका सिलेबस है एक बार सिलेबस सामने रखो और देखो कि कितनी बार रिवीजन कर चुके हो, कितनी बार रिवीजन हो चुका है आपका। अगर उससे रिलेटेड फिर एक तो अपने कॉन्सेप्ट्स को फोकस करो कि इसमें ऐसी कोई चीज जो मुझे नहीं आती हो। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इस समय प्रैक्टिस का टाइम है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे वहां से अगर आपको लग रहा है ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े, तैयारी ऐसी होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो आपको ऑप्शन की नीड नहीं होनी चाहिए। ये क्या ऑप्शन है पूछा जाएगा कि आपका संगीत रत्नाकर में 4th अध्याय कौन सा है, तो आपको माइंड में होना चाहिए प्रबंधाध्याय, ठीक है। ये नहीं कि आप उसमें सर्च करो, अच्छा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और टाइम कम नहीं था, 1-1.5 महीना काफी होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। और डेली बोलती हूँ, फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स ने म्यूजिक के सिवा और जनरल पेपर पर फोकस नहीं किया है तो गलती कर रहे हो। कुछ नहीं भी किया है ना, तो प्लीज PYQs जरूर कर लीजिएगा, PYQs सारे सॉल्व कीजिएगा। और एक बार ये देखिए, करंट अफेयर में आप PYQs कर भी लेंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि करंट पूछा जाएगा, लेकिन उससे ये बेनिफिट है कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर में आपको पता है कि आपके इंडेक्स से क्वेश्चंस आते हैं, ऑथर से क्वेश्चन आते हैं, डेज से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और आपके जो भी हेडक्वार्टर्स हैं आपके जीके में वहां से क्वेश्चन आते हैं। सारे टॉपिक, इन चीजों को तो आप कवर कर ही सकते हो, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और उस पर काम करो। हर हर महादेव। पंकज जी स्वागत है क्लास में आपका, गुड मॉर्निंग, गुड डे। मैम मेरे एग्जामपुर ऐप ओपन नहीं हो रहा है कल से। अपेक्षा, आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वहां पे कांटेक्ट करो। और ये वो टाइम है, इस समय ये सारे रिस्क नहीं लेने हैं, फटाफट से कांटेक्ट करो, आपको वो आपकी ये भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर देंगे। चलिए, तो आपको पता है हम अभी क्या कर रहे हैं, अपने विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि
देखिए सारे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं मेरे साथ, बिगिनर्स भी हैं और जो पहले पेपर में बैठ चुके हैं वो भी हैं। तो ऐसा नहीं, अब जो आप दे चुके हो एक एक दो दो नंबर से जो रह गए थे पहले, उनको लगता है कि मैम ये बहुत बेसिक लेवल है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि बेटा पीआरटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक। तो वहां पे अगर मैं अभी आपको, मैम थोड़ा सा कल मैसेजेस में था, लेवल अप कीजिए, जब पूछा ही वो जाएगा, सारे पेपर आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना डेप्थ में जाके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चे हम अपनी तैयारी करेंगे। चलिए एक बार बताइए कि जनरल पेपर कैसा है, तैयारी चल रही है जनरल पेपर की भी? सिर्फ इन 100 नंबर पे डिपेंड नहीं होना है, ये सोचो कि बस 100 नंबर में से मैम जो है आपकी मेरिट या कट ऑफ वन निकल आएगी और आपका नाम आ जाएगा। भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर जनरल पेपर की तैयारी नहीं की है तो। एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपको हिंदी इंग्लिश और लैंग्वेजेस कर सकते हो, रीजनिंग, इनमें तो अच्छे मार्क्स ले सकते हो, इनमें तो स्कोर करोगे, ये तो आपको मैक्सिमम स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो क्या हो गया, 6 दिन में बहुत सारे क्वेश्चन है, एक दिन में 500 क्वेश्चन भी करोगे ना, 500 क्वेश्चन अगर एक दिन में करोगे तब भी बेटा 3000 क्वेश्चन कवर होते हैं, तो 500 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। कितना टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो? बहुत कम टारगेट दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, 500 क्वेश्चन कम से कम एक दिन का टारगेट रखो। और उसके साथ बताए कि जो टॉपर्स होते हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, वो अपना टाइम टेबल सुबह ही बना लेते हैं, एक अपना पैड लेते हैं, पेन लेते हैं, लिख लेते हैं कि आज मुझे 500 क्वेश्चंस करने हैं, अपने सारा अपना जो भी मेरा कंटेंट है उसको रिवाइज करना है। इसके बाद अगर एक्स्ट्रा उनको लगता है कि मैं ये भी, अब जैसे आपका जनरल पेपर है तो उससे रिलेटेड भी ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करने, अब चाहे उसमें 10 घंटे लगे, 18 घंटे लगे या फिर 24 घंटे लगे, घंटे मैटर नहीं करते, मैंने जो अपना गोल सेट किया है वो मुझे अचीव करना है इन एनी कॉस्ट। तो अगर 500 क्वेश्चन सोच के चल रहे हो, ये एक्सक्यूज मत दो मैम कहाँ से मिलेंगे कैसे मिलेंगे, मुझे बोलो मैं 10,000 क्वेश्चन ढूंढ के दे दूंगी आपको, अगर सोच के रखा है कि मुझे करना है, ठीक है। आजकल भाई शुक्र मनाओ कि इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, उसके बाद भी अगर ये बोलते हो कि क्या करूं कैसे करूं तो ये तो फिर टोटली एक्सक्यूज है आपके। डर लग रहा है जनरल पेपर में, क्यों जनरल पेपर आके निकल के आपको कुछ करने वाला है, डर लग रहा है। अनु निवास नमस्ते। चलिए गाइस एक बार थम्स अप कीजिए, सारे स्टूडेंट फटाफट से लाइव आ जाइए और क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हिंदी और इंग्लिश में कितने मार्क्स चाहिए, तो 30 में से 30 चाहिए बेटा, ठीक है, पूरे चाहिए। ये कोई क्वालिफाइंग पेपर नहीं है कि आप 90 आ जाएंगे, पास हो जाओगे भाई, हो जाएगी, लग जाएगी नौकरी, तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। थम्स अप करो एक बार और सारे स्टूडेंट्स फटाफट से लाइव आ जाओ। हमने अपना एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया था, आज हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व। क्या है, प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ये पेपर है। चल तो देखते हैं आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पाश्चात्य संगीत में शुद्ध धैवत की सही आंदोलन संख्या क्या है, और मुझे एक बार ये भी बताओ बताइए ए क्या है। पाश्चात्य संगीत मतलब वेस्टर्न म्यूजिक की बात हो रही है कि वेस्टर्न म्यूजिक में जो आपका धैवत है उसकी आंदोलन संख्या क्या है, 398, 400, 402 या फिर 404। बी 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 आंसर कीजिए जल्दी। ये ए क्या है बताइए स्टूडेंट्स, ये जो आपका ए है ए क्या है? बहुत बढ़िया, जो भी स्टूडेंट्स का बी आंसर कर रहे हैं, क्या है, 400। किसकी, शुद्ध धैवत की। पाश्चात्य संगीत में शुद्ध धैवत की आंदोलन संख्या है आपकी 400। बहुत बढ़िया, इस ए को बताओ कि ये ए क्या है जल्दी से।
ये आपने किसकी आंदोलन संख्या बताई है? शुद्ध धैवत की बताई है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कोमल धैवत की आंदोलन संख्या क्या है, बताइए बताइए कोमल धैवत की आंदोलन संख्या क्या है। चलो देखिए, अगर हम वेस्टर्न म्यूजिक की बात करें तो आंदोलन संख्या देख लीजिए क्या होती है, 240, 270, 300, 320, 360, 400 और आपका 450। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है आपकी आंदोलन संख्या। ये किसकी है आप बताएंगे? मैम सा की है। ये किसकी है? रे की है। ये गंधार की है। ये मध्यम की है। ये पंचम की है। ये धैवत की है। और ये है आपकी निषाद की। अब मैंने आपसे पूछा कोमल धैवत की, आप लोग बताओ। सी डी ई एफ, अंशु सी डी ई एफ बहुत बढ़िया, लेकिन जी कहाँ है? म्यूजिक में, वेस्टर्न म्यूजिक में म ध ए लिखते हैं। सही से आंसर करो बेटे, तो क्लियर रखो थोड़ा सा। ये धैवत है, बहुत बढ़िया। सी डी ई एफ जी ए बी सी, बहुत बढ़िया रजनीश। क्या है अगर हम इसको किससे डिनोट करते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में? ये है आपका सी, ये है डी, ये है ई, एफ कैपिटल बना दो, जी ए और आपका बी। ठीक है, ये क्या है आपका? और अगर हम बोले और किस नाम से जाना जाता है तो आप क्या बताएंगे? डो रे मी पा सोल ले और आपका सी। ये है आपका वेस्टर्न म्यूजिक। सारा आपको लर्न होना चाहिए, इसकी आपको आंदोलन संख्या लर्न होनी चाहिए, किससे डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। मैम अभी आंसर करती हूँ, बच्चे को तैयार कर दो स्कूल के लिए। बिल्कुल नम्रता, चलिए छाया नट का थाट है, बताओगे? छाया नट का थाट क्या है बताइए? ए काफी है, बी कल्याण है, सी खमास है या फिर डी पूर्वी है। आगे और डिस्कस करेंगे आंदोलन संख्या पे, जल्दी से आंसर करो। धाको कहते हैं, बहुत बढ़िया। बी 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 कल्याण थाट है। तो छाया नट किस थाट का राग है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कल्याण थाट का ये राग है। और अगर हम बात करें इसकी जाति क्या है, क्या है किस जाति का राग है, तो क्या बताओगे मैम? संपूर्ण जाति का राग। किस जाति का है? संपूर्ण जाति का है। क्या स्वर प्रयोग होते हैं? दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, दोनों मध्यम प्रयोग होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है कि दोनों मध्यम वाला राग इसमें से कौन सा है। और अगर हम बातें बेटा इसका वादी संवादी क्या है, तो क्या बताओगे मैम? पंचम और ऋषभ इसका वादी संवादी है। इसका समय क्या है? रात्रि के प्रथम पहर में ये गाया बजाया जाता है, रात्रि का प्रथम पहर। आपका छाया नट कंप्लीट इंपॉर्टेंट राग हो जाता है, तो सबको याद करना है पूरे तरीके से, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए इसमें। चलिए अरे भाई ये उल्टा क्यों कर दिया मैंने, ये है उल्टा है बेटा, ऐसे कर लेना इसको। रेपा है इसको, रेपा वादी संवादी है। ठीक है, ऋषभ इसका वादी है और आपका संवादी क्या है? पंचम। चलिए, कल इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हुई थी, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको करा दिए थे। रात्रि का प्रथम पहर इसका क्या है?
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मा रे पा नी धा नी सा, किस राग का है? बहार का है, मिया मल्हार का है, बागेश्री का है या आपका देसी का है? बताइए बताइए। कितने स्वरों का फर्क होता है? दो दो दो, बहुत अच्छे। निधा निसा, और अगर ये भी होगा ना, अगर अभग्रह लगा के होगा तब भी आपका क्या होगा? मिया मल्हार होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट स्वर संगति हो जाती है अगर आपसे कोई भी स्वर संगति दी जाएगी। देखो कुछ ना कॉम्बिनेशंस होते हैं जो भी इसमें पढ़ाए जाएंगे, आपको पता है कि इसमें संप्रकृतिक राग आपका पूछा ही जाएगा, लेकिन जब मिया मल्हार दे रहा है, निधा निसा दे रहा, तो आप मिया मल्हार ही लगाएंगे। ये इसकी विशेषता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। एक बेटा की नींद है नीसा, आपको मियां मल्हार ही लगाना है। इसमें बाहर भी होगा लेकिन नहीं, आप इसको प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है? अब अगर हम बात करें किस थाट का राग है, इसके किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। जो भी सिलेबस के आपके राग है किसी भी पॉइंट से बनेगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। किस थाट का राग है? काफी का है। जाति क्या है? संपूर्ण शाड़ संपूर्ण मतलब सात स्वरों का प्रयोग होता है आपका, और इसमें आपका छह स्वरों का प्रयोग होता है, मतलब हैवत है आपका वर्जित। एक सेकंड बेटा, हेलो, यस सर, नो आई एम शिवानी। संपूर्ण शाड़प जाती है तो आप क्या बताएंगे? इसमें धैवत है वर्जित। अब अगर हम बात करें कि इसका वादी संवादी क्या है, इसके वादी संवादी के विषय में बेटा दो मत हैं, जो दोनों मत आपके माने जाते हैं, सापा और कई विद्वान इसका मानते हैं माता। तो दोनों में से जो भी आए लगा देना। हाँ जी, और कैसे स्वर प्रयोग किए जाते हैं? जब काफी थाट का राग है तो स्वर तो आपको पता ही होंगे, काफी में कैसे स्वर प्रयोग किए जाते हैं? मैम गंधार और निषाद कोमल लगता है, तो गंधार तो कोमल है इसमें, लेकिन निषाद बेटा दोनों निषाद प्रयोग होते हैं। कोमल निषाद और शुद्ध निषाद दोनों निषाद का इसमें प्रयोग होता है, नी दोनों। अब मिया मल्हार तो तुम कभी भूलने वाले हो नहीं। संप्रकृतिक राग है इसका बहार, वादी संवादी, रात्रि का द्वितीय प्रहर। और बेटा मल्हार है, ऐसे तो एक मौसमी राग भी है मल्हार आपका, इसके बारे में आपको कहीं कहीं जरूर नहीं मियाँ मल्हार ही दिखे, ठीक है ना। इसके और भी राग हैं, जैसे आपका सूर मल्हार हो गया ना, मल्हार भी कहीं कहीं, तो मल्हार से मतलब सिर्फ मियाँ मल्हार का ही है। इसके रचनाकार कौन है? इसकी रचना किसने की थी? किसने बनाया था ये राग बताओ? ये राग किसने बनाया था जल्दी से बताओ? दोनों निषाद यूज होते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ इसकी रचना किसने की थी? देखो मध्य रात्रि भी देखने को मिलेगा, वर्षा ऋतु भी देखने को मिलेगा, द्वितीय प्रहर भी देखने को मिलेगा, समय तानसेन, बहुत बढ़िया, ना भूलने वाला राग, कुछ चीजों को तो छोड़ ही नहीं सकते। किसने बनाया था? तानसेन है इसकी रचना का। ये मियाँ क्यों लगाते थे बताओ? यो मियाँ मल्हार, मियाँ कि आपका और भी है, इनके कई राग है मियाँ, जिसमें सब में इनके मियाँ मिलेगा ही आपको, जिससे सारे राग याद हो जाएं। कोई नहीं, अभी पता है अगर आपको ये लग रहा है, बहुत से देखो ये मैं अपना नहीं एक्सपीरियंस बता रही, ऐसे स्टूडेंट्स का बता रही जो पेपर देख के आते हैं, सेलेक्ट भी होते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है, परेशानी हो रही होगी याद करने में, लेकिन जब पेपर में बैठोगे ना और स्वर संगतियां पूछी जाएंगी, देखते ही टिक लगाओगे। बस आप अपनी तैयारी करते रहो, आप ये मत सोचो कैसे होगा क्या होगा, अपना काम करना क्या है, प्रैक्टिस करना है, उसको अच्छे से तैयार करना है, मेहनत करना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, बाकी चीजें छोड़ दो, बाकी चीजों के लिए इतना परेशान मत हो, वो सब आपके हाथ में नहीं है, जो चीजें आपके हाथ में है उन पर ध्यान दो। कौन सा गमक का प्रकार नहीं है? कल सारी गमक बताई थी आपको,
सबके अनुसार बताई थी, एक बार लिखते ना, फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेंगे। एक बार बताइए कौन सा गमक का प्रकार नहीं है, प्लावित, प्लावित, कुरुल, त्रिभिन और आपका साधारण। और गाइस एक्सक्यूज मत दिया करो ना अपने आप को ना किसी दूसरे को कि ये हमसे नहीं हो रहा, इसकी प्रगति ऐसी है, ये टॉपिक कठिन है के, तो आप ही अकेले नहीं हो। ये टॉपिक सिर्फ स्पेसिफिक आपके लिए नहीं डाला गया, सारे स्टूडेंट्स के लिए डाला गया है। अपने आप को मोटिवेटेड रखो कि मेरे से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, अगर होगा तो ये मेरे से ही होगा। सारे स्टूडेंट, और देखो सबकी वीकनेस यही है, सब इसको छोड़ रहे हैं, जिस टॉपिक को सारे स्टूडेंट छोड़ रहे हैं उसको आप तैयार करो। तो ऑब्वियस सी बात है कि 12 नंबर का टॉपिक है कम से कम, तो 12 में से ना करते हो 10 का तो करके आओगे, तो 10 नंबर तो पक्के हो। जिसको सारे लोग छोड़ रहे हैं ना, अपने आप को थोड़ा सा अलग बनाओ, और कामयाबी उसी को मिलती है, कहते हैं ना, जो कुछ अलग ढंग से अपना काम करते हैं। पढ़ सब रहे हैं, कोर्स भी सबने लिया है, तैयारी भी सब कर रहे हैं, लेकिन नाम इन 303, ये जो 303 बच्चे हैं ना, इनमें नाम उनका आएगा जो अपने लिए कुछ अलग ढंग से तैयारी करेंगे। तो इसलिए हाँ जा रही हूँ अभी मैं लेने तुम्हारे लिए संजीवनी पर्वत पे। हनुमान समझ रखा है क्या? कौन सा गमक का प्रकार नहीं है, तो ये नहीं है भाई आपका साधारण। क्या नहीं है? साधारण आपका गमक का प्रकार नहीं है। और बताओ जरा त्रिभिन्न गमक की क्या विशेषता है, कुरूल गमक को क्या कहा जाता है, प्लावित क्या है, जल्दी से बताओ। एक सेकंड में आंसर करिए, एक सेकंड में आंसर करो जल्दी से। सारंगदेव 15, तानसेन 22, अहोबल 20, पार्सदेव आपके साथ, बढ़िया। तानसेन का घराना बताओ, साधारण, बिल्कुल सही, 303 में भी रहूंगा, बिल्कुल। स्पीड कम है मैम, अच्छा सर, फिर मैं स्पीड तेज करूंगी, अभी बन जाऊंगी मैं आप मिल्खा सिंह, फिर आप बोलोगे कि स्वर को आपका 3/4 मात्रा काल में कंपित करने को क्या बोलते हैं, प्लावित गमक को बोलते हैं। कुरुल क्या है, तो कुरुल में आप बताएंगे क्या बोला जाता है, कुरुल को घसीट बोला जाता है। और बच्चे त्रिभिन्न यानी तीन स्थानों को छूकर चौथे स्थान पर पहुंचना, दैट इज कॉल्ड त्रिभिन्न। तो ये तीनों आपकी गमक है, जो नहीं है वो है आपकी साधारण। तो जिसने ऑप्शन नंबर 4 बताया है, बहुत बढ़िया। आगे देखो, मुल्तानी का थाट क्या है, क्या है मुल्तानी, मिट्टी नहीं है ये, क्या है ये भाई राग है एक मुल्तानी, ठीक है, मिट्टी समझ के चेहरे पे ना लगा लेना। मुल्तानी का थाट बताइए क्या है, काफी है, बिलावल है, तोड़ी है, या फिर आपका कल्याण है। वेरी गुड, डार्क नाइट, डार्क नाइट, चलिए आंसर कीजिए। तोड़ी, बहुत बढ़िया। मुल्तानी का थाट क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, तोड़ी। इसमें कैसे स्वर प्रयोग किए जाते हैं, इसमें कैसे स्वर प्रयोग किए जाते हैं, तो आप बताओगे मैम। सबसे पहले तो अगर हम वर्धित की बात करें, जो मुल्तानी को तोड़ी से अलग करता है वो क्या है, वो है इसकी रेधा कोमल है, आरोह में, सॉरी आरोह में रेधा वर्जित है, क्या है, आरोह में इसके रेधा वर्जित है। और इसमें कैसे स्वर लगते हैं बताइए एक बार, तोड़ी थाट मैंने बताया था, तोड़ी थाट में आपके कैसे स्वर लगते हैं बताइए एक बार फटाफट से। पास आप, रेधा आरोह में वर्जित, बहुत बढ़िया। कैसे ट्रिक शेयर कर दो हमें भी, तो ट्रिक बाद में करना, आंसर करो। रेधा इसमें वर्जित है आपके, बहुत बढ़िया। और इसमें कैसे स्वर लगते हैं भाई, तोड़ी का किसी को नहीं पता क्या, तोड़ी थाट में रे गा धा कोमल लगते हैं और आपका मध्यम लगता है टी, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है कि मुल्तानी थाट के जो, सॉरी तोड़ी थाट के कौन से स्वरों को वर्जित करने से मुल्तानी राग बन जाता है, या तोड़ी राग के कौन से स्वरों को वर्जित करने से मुल्तानी राग बन जाता है, तो क्या बताओगे मैम? रेधा वर्जित करने से। और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, जाति क्या है, जब इसके रेधा वर्जित है तो फिर बताइए बेटा जाति क्या है इसकी। हम भी जवाब देते हैं, वादी संवादी क्या है, मैं आपके आंसर ही देख रही हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
रेखा, बहुत बढ़िया रेखा वर्जित। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। गामा पा नीधा पा मागा मागा किस राग को इंगित करते हैं? मधुवंती, मुल्तानी, बसंत और बहार। बताओ, इसमें दो रागों में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो बताओ जल्दी से, दिन का चौथा प्रहर। बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए बेटा एक बार जल्दी से। अभी करा के चुकी हूँ। बी 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 बसंत कैसे हो जाएगा भाई? बाहर, बाहर कैसे हो जाएगा? हाँ, बाहर किस थाट का राग है? हमारा और किस थाट का राग है बच्चे? बाहर, जरा बताओ एक बार, बाहर किस थाट का राग है? हाँ, पता है तुमको कि काफी में गानी कोमल लगते हैं, इसमें तुम्हें कहीं दिख रहा है? वो तो खैर चिन्ह की चलो हो सकता है आएगा, लेकिन इसमें जो तुम्हें नहीं लग रहा है, तो इसका आंसर होगा अभी कराया था। हाँ हो सकता है। बहुत बढ़िया शर्वनी, अगर इसमें कंफ्यूज होते तो मैं समझ सकती हूँ। मधुवंती और मुल्तानी में कंफ्यूज होते, ये तो हो ही नहीं सकते, अपना अपना मैथ्स लगा रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्तानी। चलो आगे देखो, इन दोनों में होते तो इनके तो स्वर काफी सिमिलर हैं, एक बार समझ में आ जाता है। अभी तक 67 ही किए हैं हमारा, टाइम इतना होता जा रहा है, थोड़ा स्पीड इंक्रीज करते हैं। चलो, निम्नलिखित में से किस गेय विधा की पखावस पर संगत की जाती है? राग सागर, ध्रुपद, ख्याल या फिर राग माला? आंसर करो जल्दी से, आंसर कीजिए जल्दी से। छोटी सी टेबल, सबको पता है कि पखावस का नाम आएगा तो इसमें आएगा आपका ध्रुपद। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओह गलत हो गया, कोई बात नहीं। ध्रुपद के, आपको पता है ध्रुपद आपका गंभीर प्रकृति की शैली है। आविष्कारक के बारे में बात करें तो आप जानते हो मान सिंह तोमर। कौन से ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है इनके? तो इनका कौन सा ग्रंथ है? मान कतूहल। क्लियर? गंभीर प्रकृति का राग है, गाते समय कंठ और फेफड़ों पर इसके पर जोर पड़ता है। आपका मर्दाना राग भी इसको, अगर राग नहीं सॉरी शैली है, इसको क्या बोलते हैं? आपका मर्दाना गीत भी बोलते हैं। शुद्ध गीत से बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये किसी ने आंसर दिया। अब बताइए जरा इसकी गीति कौन सी है, द्रुपद की गीति बताओ, द्रुपद की गीति बताइए कौन सी है, किस गीति से निकला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारत रत्न सम्मान किसे मिला है? अब्दुल करीम खां, मुश्ताक अली खां, रविशंकर या निखिल बनर्जी? किसको मिला है भारत रत्न से, किससे सम्मानित हो चुके हैं? और चलो एक और बताओ, डीई अब इसके आंसर बताओ कौन कौन से हैं, भारत से सम्मानित हो चुके हैं। 1999 रविशंकर, बहुत बढ़िया, सितार वादक हैं। सी सी सी, देखिए भारत से किसे मिल चुका है? रविशंकर को मिल चुका है, मैंने शायद आपको कराए हैं सारे भारत रत्न किसको, तो भीमसेन जोशी को भी मिला है, लता मंगेशकर को भी मिला है। कब मिला था? 1999 में। भीमसेन जोशी को 2009 में।
लता मंगेशकर को 2001 में, सुबलक्ष्मी को 1998 में, CEF, बहुत बढ़िया, सभी को इनको, ये सब आपके क्या है, भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। और एक बार मुझे बताइए कि रविशंकर के गुरु का नाम क्या था, पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे, बताओ, चलो मैं बताइए। बहुत ही फेमस, सिर्फ रविशंकर के ही नहीं, बहुत सारे इन्होंने अपने जो शिष्य हैं उनको ट्रेंड किया है, भीमसेन जोशी, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर कीजिए, रविशंकर के गुरु का नाम बताइए क्या है। किसी का नहीं आता, तुम लोग कितना लेट रिस्पॉन्स देते हो, बहुत बढ़िया। अलाउद्दीन खान। पत्नी का नाम क्या है, नहीं, अन्नपूर्णा जी। रविशंकर का विवाह अलाउद्दीन खां की सुपुत्री से हुआ था, क्या नाम है इनका, जिनका नाम है अन्नपूर्णा जी। उसके बाद ये विवाह बोले कि टूट भी गया था, फिर उन्होंने दूसरी शादी की थी। हाँ चलिए, संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं, 6, 7, 10 या फिर 5, बताइए। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं, अनुपमा वाइफ, यस, अन्नपूर्णा, अनुपमा नहीं, इसका आंसर करो 7। अब मुझे बताओ, देखो संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं, 7, किसने लिखा है, पंडित शारंगदेव ने, कौन सी शताब्दी, 13वीं शताब्दी में। क्या बोलते हैं अन्य नाम, सप्ताध्यायी, क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 7 अध्याय हैं, अध्यायों की संख्या 7 होने के कारण इसका जो अनदर नेम है वो है आपका सप्ताध्यायी। कौन कौन से अध्याय हैं फटाफट से बताओ, कौन कौन से अध्याय हैं, तो पहला क्या है आपका स्वराध्याय, दूसरा क्या है राग विवेकाध्याय, तीसरा क्या है प्रकीर्णाध्याय, फोर्थ क्या है आपका प्रबंधाध्याय, प्रबंधाध्याय, फिफ्थ क्या है तालाध्याय, सिक्स्थ क्या है वाद्याध्याय, एंड लास्ट इज 7 क्या है नर्तनाध्याय। ये क्या है आपके, ये 7 अध्याय हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं, एक एक करके सबका नाम आपको याद होना चाहिए। प्रबंध, बहुत बढ़िया, स्वर राग प्रकीर्ण प्रबंध ताल वाद्य नृत्य, वेरी गुड राहुल, यस। इन्होंने कितने काकू माने हैं, तो इन्होंने 6 काकू माने हैं, कितनी गमक मानी है, 15 गमक मानी है, कितने प्रबंध माने हैं, 75 प्रबंध माने हैं। और बताओ, अपनी वीणा में कितने तारों पर इन्होंने श्रुति प्रयोग किया था, 22 तार लगाए थे। भरत ने कितने लगाए थे, 7 लगाए थे। थोड़ा जो नंबर्स थोड़े डिजिट्स ज्यादा ज्यादा लगे ना, वो इन्हीं का हो सकता है, इसमें काकू 6 हैं बिल्कुल। चलिए, हाँ जी, 15, 75, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, गॉड मल्हार का वादी संवादी क्या है, मासा पारे धागा या फिर आपका रेपा, आंसर करो जल्दी से। आंसर कीजिए, वादी संवादी क्या है, ए मासा पारे धागा या फिर आपका रेपा, यस बिल्कुल सही। जो थोड़ी बहुत डिटेल्स रह जाती है उसलिए, क्योंकि आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया भाई, इसका धागा कौन बता रहा है, तो गॉड मल्हार का वादी संवादी आपका क्या है, मासा है, क्या है मासा है, किस थाट का राग है, थाट कौन सा है, तो आप बताएंगे खमाज। मासा, अगर सॉरी मासा होगा, नहीं नहीं हाँ वहां पे भी सॉरी चलेगा आपका, है ना। जाति बताओ, गॉड मल्हार की जाति क्या है,
जाति क्या है और समय क्या है। अब ये टाइम मेरा एक्सप्लेनेशन देने का नहीं है, पेपर के केवल 6-7 दिन रह गए हैं, अब आपसे एक्सप्लेनेशन लेने का है। तो सारे स्टूडेंट से ये बताओ जल्दी से, इसकी जाति क्या है और समय क्या है। खमास थाट बहुत बढ़िया, गॉड का है, गॉड सारंग का है धागा। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इतना? अगला क्वेश्चन देखो, संपूर्ण याद आ गया एकदम से। संपूर्ण देखो, क्वेश्चन नंबर 71, चौताल को किस बाज में बजाया जाता है। बहुत बढ़िया, रात्रि का दूसरा पर्ण और संपूर्ण जाति का ये राग है। इसका वादी संवादी आपको पता है क्या है, आपके मासा है। जाति क्या है इसकी? संपूर्ण। समय क्या है? रात्रि का दूसरा पहर। लिख लो यार इसे। आगे देखो, चौताल को किस बाज में बजाया जाता है, बताइए भाई। खुल्ला बाज, बंद या इंगित, ब्रावस पर, समेट पर या फिर प्रस्तार। सभी जानते हैं खुले बोलो की ताल है ये। किसके साथ इसकी संगत की जाती है? चार ताल। चार ताल के 12 मात्राएं होती हैं। कितने विभाग होते हैं? 6 विभाग होते हैं। कैसे होते हैं? 6। तो प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं, तो इस हिसाब से कितने हो गए? 6 विभाग हो गए। खाली किस पर है? खाली किस पर है? तो आपका खाली है इसमें तीसरी और सातवीं पर, और ताली 1-5-11। 1-5-11 क्लियर। इसके साथ बजाई जाती है संगत इसकी ध्रुपद। ध्रुपद के साथ नाम आएगा, आप लगाएंगे चार ताल ही। अगर ऑप्शन में चार ताल है, फिर चाहे कोई सी भी ताल है, अगर चार ताल दिख रहा है तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? इसी को देंगे, पहले ही बता दे रही हूं। और इसके बोल क्या है? धा धा दिन ता, किट धा दिन ता, तेटे गति गदिगन। बिल्कुल सही, 9-11। ठीक है, तीसरी और सातवें आपकी खाली है। 5-6-7-8-9-10-11-12। ठीक, कितने विभाग हो गए? 1-2-3-4-5-6। ठीक है ना, 6 विभाग है। 3-7-1-5-9-11 पे आपका क्या है? बहुत बढ़िया। दिन ता अब ऐसे बताओ, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि चार ताल में से कौन से 2 बोल हटा दिए जाएं तो आपकी सूल ताल बन जाएगी, बताओ कौन से 2 बोल हटाने से या कौन सा विभाग हटाने से आपकी सूल ताल बन जाएगी, बताइए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 72। देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। पैटर्न समझ में आ रहा है? लेवल समझ में आ रहा है क्वेश्चन का? और एक देखो, निकल रहे हैं आपसे, बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, वरना फिर और ऐसे ही क्वेश्चन मैराथन लगाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे, नहीं बन रहे हैं तो बता देना। सुबह से शुरू करते हुए प्रदर्शन के समय के अनुसार रागों का सही क्रम चुनिए। विभास मतलब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले कौन सा गाया जाता है, फिर उसके बाद कौन सा गाया जाता है, उसके बाद कौन सा गाया जाता है। एंड स्टूडेंट्स, यही आपका क्या होता है, ट्विस्टेड क्वेश्चन होता है, या थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। अब इसमें ही एक राग भी पूछ सकते थे, लेकिन नहीं। अब आपको 1 का पता होगा, 2 का पता होगा, कैसे लगाओगे? 2 के भी बताओगे तब भी आराम से निकाल लोगे। देखो कैसे, विभास जौनपुरी मुल्तानी या पूरिया। सेकेंड है पूरिया, विभास जौनपुरी या मुल्तानी, जौनपुरी विभास पूरिया मुल्तानी, विभास मुल्तानी जौनपुरी पूरी। अगर मैं माना मुझे नहीं पता भाई सारे रागों का, लेकिन आप सभी जानते हो, बहुत होशियार हो। शी सी इज राइट, बी इज राइट, ए बी सी, आपके 3 आंसर आ रहे हैं। देखो सबको पता है कि सबसे पहले, अगर हम सबसे पहले देख लेंगे भाई, विभास है, पूरिया है, जौनपुरी है, फिर से विभास है, तो इन चारों में से होगा। अगर आपको पता है जौनपुरी का क्या है, जौनपुरी का क्या है, और आपको पता है विभास का क्या है। अगर सबसे पहले बात करें, सुबह की बात हो रही है, तो सुबह सबसे पहले कौन सा लगाया जाएगा, बताओ। सब ए ए जौनपुरी मुल्तानी पूरिया नम्रता, ये वो बच्चे बता रहे हैं 1 सेकंड में आंसर, जिन्होंने PYQs लगा रखे हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा बदल दूं, फिर
सारे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। सी ही होगा मैम, सी देख लेते हैं एक बार। जौनपुरी भाई कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, जौनपुरी स्टार्टिंग में ही दे रखा है। अब हमें पता है कि विभास भी है, यानी कि विभास किस थाट का राग है मैम, भैरव का थाट है, भैरव थाट है इसका। और भैरव कब गाया बजाया जाता है, एक संधि प्रकाश राग है, प्रातःकाल इसका समय होता है, तो सबसे पहले तो विभास ही आएगा। तो जो जौनपुरी और पूरिया वाले हैं ये तो साइड हो जाओ, हमारे पास ये दोनों ऑप्शन कट गए, ठीक है। अब हमारा कॉम्पिटिशन किन से है, इन दोनों से। अब इसमें से हमें निकालना है एक करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है, इन दोनों में से बताना है। तो सबसे पहले विभास है, ठीक है। अब हो गया आपका मुल्तानी, तो मुल्तानी बताइए, मुल्तानी के बारे में अगर आपको नहीं पता लेकिन आपको ये पता है कि आपका जौनपुरी का समय क्या है, ठीक है, मुल्तानी आप जा स्टूडेंट्स, अगर मुल्तानी का पता है तो बताओ, अगर मैंने माना नहीं पता, ये पता होना चाहिए वैसे, तभी इसका आंसर निकलेगा, इसका आंसर पता होना चाहिए भाई मुल्तानी का समय आपको। चलो इसको देख लो, विभास आपका क्या है, सुबह का है, इसका क्या है, तो इसका है दिन का दूसरा प्रहर। जौनपुरी का समय क्या है, दिन का दूसरा प्रहर। और मुल्तानी का क्या है, चौथा प्रहर। तो ये तो भाई हो नहीं सकता, चौथे प्रहर तो नहीं आएगा, वो तो बाद में आएगा, क्या आएगा, जौनपुरी आएगा। यहीं से क्वेश्चन हो जाता है आपका सॉल्व, ठीक है, यहीं से क्या हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस आगे की देखने की जरूरत ही नहीं है। विभास, जौनपुरी, मुल्तानी, पूरिया, बहुत बढ़िया, दिन का दूसरा प्रहर। और हमें पता है, अगर आपको ये भी नहीं पता, आपको पता है मॉर्निंग हो गई, दूसरे पहर में आपका जौनपुरी आ गया, तो उससे ठीक है, यहीं से इसको आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और पूरिया का क्या है आपका, सायंकाल। आगे देखो, दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख किस में किया जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन महाशय से या इन महारथी से क्वेश्चन ना बने, ठीक है, ये तो किसी पेपर को छुए बिना जाएंगे ही नहीं। सबसे पहले तो इनको, भरत हो गए आपके, मतंग हो गए, अहोबल हो गए, इनको तो छोड़ा ही मत करो भाई, ये तो ये हमें पेपर पास नहीं करने देंगे अगर आप इनको छोड़ के गए तो, गुस्सा हो जाते हैं, तो इन पे तो सबसे ज्यादा फोकस रखना है। दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख किसमें किया जाता है, ए संगीत सारामृत, संगीत राज, संगीत रत्नाकर, या फिर आपका संगीत भाष्य। आंसर करो जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी आप बता रहे हैं संगीत रत्नाकर। किसकी बात हो रही है, दशविध राग वर्गीकरण जिसका वर्णन इन्होंने किसमें किया है, सो संगीत रत्नाकर में किया है। कौन से समय का ग्रंथ है, 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है, अभी बता के चुकी हूँ। दशविध राग वर्गीकरण अब है क्या, तो आपको मैंने कराए थे, इन्होंने अपने रागों को 10 तरीके से वर्गीकृत किया है, 10 विभागों में इन्होंने उसको रखा है। कौन कौन से है, तो आप क्या बताएंगे, ग्राम राग, उपराग, थर्ड है आपका राग, जिन्होंने अभी नहीं पढ़े हैं वाइट, यहाँ भी क्लास में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सबको ध्यान देना है, ग्राम राग, उपराग, राग, तीन ये हो गए, भाषा, विभाषा, पांच छह अंतरभाषा, सात रागांग, आठ भाषांग, क्रियांग एंड उपांग, ठीक, नाइन क्रियांग एंड टेन है आपका उपांग। कितने हैं क्रियांग और उपांग बताओ, ये क्या है आपके, ये आते हैं आपके दश विधि राग वर्गीकरण में, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जो छह हैं आपके स्टार्टिंग के, इनका प्रयोग तो मार्गी संगीत में होता था, और आपके देसी संगीत की बात करें तो आपके जो चार रह जाते हैं, चार हैं आपके रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, इनका होता है आपका देसी संगीत में प्रयोग। कितने हैं ग्राम राग, ग्राम राग आपके कितने हैं, तो आप बताएंगे 30, राग है आपके 20, ये है आपके 8, भाषा है 16, विभाषा है 20, अंतरभाषा है 4, रागांग है 9, भाषांग है 11, और ये है आपके 3 और 3। चलो देख लो एक बार,
देख लीजिए एक बार, क्लियर है, थम्स अप कर देना। और सब स्टूडेंट्स एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। पढ़ो तो सब है। अरे क्वेश्चन देख के तो याद आ जाता है। हाँ तुम कैसे भूल रहे हो, पता है ऐसे नहीं पता होता। जब पेपर देने आएंगे ऐसा लगता है बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब पेपर देखोगे, क्वेश्चंस देखते जाओगे, सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद आती जाएंगी। मैम ले लिया स्क्रीनशॉट। अरे अभी के अभी याद नहीं कर सकते थे, स्क्रीनशॉट वो रख के आपका सेव रहेगा फोन में। चलिए आगे देखें, ये करा चुके हूं पहले भी। पूर्या में किस स्वर संगति का प्रयोग किया जाता है, रेधा, सामा, नीधा या फिर ये तीव्र मध्यम है, बताओ जल्दी से। नीमा, किस स्वर संगति का प्रयोग किया जाता है बताओ। याद भी हुआ, हो गया ना। हाँ मैम थोड़ा सा जल्दी से करवा दो। अच्छा जी तो इसमें जो स्वर संगति प्रयोग की जाती है वो की जाती है बेटा ऑप्शन नंबर डी, नीमा। किस थाट का राग है, मारवा थाट का ये आपका राग है, कौन सा, पूरिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। केवल सेमी टोन पर आधारित स्केल को क्या कहते हैं बताइए, माइनर स्केल, डायटोनिक स्केल, समानांतरालीय स्केल, समानांतरीय स्केल होगा, और क्रोमोटिक स्केल, केवल सेमी टोन पर जो आधारित होता है बताइए जल्दी से बताओ। डी 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 बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्रोमेटिक स्केल होता है। और एक बार मुझे डायटोनिक स्केल के बारे में और बताइए, डायटोनिक स्केल आपका क्या होता है, बिना किसी क्रम अथवा सिलसिले से ली जा रही तान को कहते हैं, आंसर देखने की जरूरत है क्या, ऑप्शन देखने की जरूरत है क्या, नहीं बताएंगे बताओ, ऑप्शन आंसर बताओ ऐसे ही। क्रोमेटिक, बहुत बढ़िया डी वाले स्टूडेंट्स, दो टोन, बहुत बढ़िया। दो टोन वाला क्या होता है आपका, डायटोनिक होता है, कौन कौन से दो टोन, क्या है, बिना किसी क्रम अथवा सिलसिले से ली जा रही जो तान होती है वो कौन सी तान होती है, तो वो होती है मैम हमारी कूट तान। कूट तान होती है जिसको आप वक्र तान भी कहते हैं, अगर सिलसिले से नहीं ली जा रही, मतलब प्रॉपर उसका एक सीरीज नहीं है, साके बाद रे नहीं, गानी मानी, उल्टे सीधे स्वर लिए जा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े स्वरों का प्रयोग किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कूट तान या फिर आपकी वक्र तान। क्लियर, प्रिया ऑपरेशन थिएटर में जाके सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, वैसे एग्जाम हॉल में भाई ऐसे कैसे काम चलेगा है, पता है अगर ना वहां पे बहुत अच्छी तैयारी होती है स्टूडेंट्स की, लेकिन आधा क्या उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, इसलिए किसी किसी बच्चे का सिलेक्शन रह जाता है। अरे इतना क्यों डर रहे हो भाई, एग्जाम ही तो है, कौन सा आपको ऐसा है कि इसके बाद खत्म हो जाएगा या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, सोचकर आराम से कूल माइंड के साथ पेपर देना है, अच्छे से करना है, सोच के करना है, और बहुत सोच के जाओगे कि ये वाला क्वेश्चन हम ऐसे नहीं वाले क्वेश्चंस को बेटा ये नहीं पे इतना बड़ा सर्कल कर लेना, और अच्छे से जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं इतना बड़ा सर्कल कर लेना, ऊपर उठा के नहीं को रख लेना कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, और क्योंकि उसमें नहीं पूछा जाएगा और पहला होगा जो उसमें इंक्लूड होगा, तो आप देखते ही फर्स्ट पे टिक लगाओगे, वहां पे बस ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ध्रुपद में किया जाता है, तान आपको पता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये भी एक तान का ही प्रकार है, बिल्कुल भी नहीं, बोल बनाव भी नहीं, तो क्या रह गया आपका, उपज। अब देखो बहुत से बच्चे हैं, अगर अरे भाई क्या हो गया,
हमें पता है कि तान का तो होता ही नहीं है, तो इसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। जो भी है भैया यही होगा आंसर फिर। चलो नहीं गाते हैं, बहुत बढ़िया। आगे देखो, रविशंकर के गुरु कौन थे, इसीलिए पूछा था पहले। कौन थे भाई रविशंकर जी के गुरु? अलाउद्दीन खां, अल्लाह रखा खां, अली अकबर खां या इमदाद खां? तो भाई सभी को पता है अलाउद्दीन खां किसके गुरु थे, रविशंकर जी के गुरु थे ये। और रविशंकर जी के बारे में यानी कितनी बार बताया होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, विभास का वादी संवादी क्या है? विभास का वादी संवादी क्या है? पारे, रेधा, गाधा या फिर आपके धारे? बताओ जल्दी से। कौन सा है ये भाई? D76 होगा मैम, DCD। सभी को पता है किस थाट का राग है, समय कब है, तो ये बता रहे हो क्या हो गया है? रेधा, उल्टा कर दो इसका, मोहित भैरव का है, ठीक है, रेधा नहीं होगा इसका, धारे होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेधा इसमें कोमल, आपको पता है भैरव में कोमल लगते हैं, तो मैंने उसी भी बताया था किसको उल्टा कर देना, धारे कर देना। विवास भैरव धारे, बहुत बढ़िया। मानी बजट बिल्कुल रेधा होगा मैम, बताइए। अधा चौताल में किस मात्रा पर खाली है? 4, 8, 12, 3, 5, 9, 5, 8, 13 या फिर आपका 5, 9, 13? बताओ 5, 8, 13 या 5, 9, 13? मानिवर्जित दिन का प्रथम। जल्दी से बताओ, आधा चौताल में किस मात्राओं पे खाली है? 5, 8, 13, 5, 9, 13। बताइए जल्दी से। डी 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 बिल्कुल सही, डी 5, 9, 13। 1, 3, 7, 11 पर क्या है, तो आपकी ताली है, और 5, 9, 13 पर क्या है, खाली है। मात्रा, मात्रा कितनी है? 14। विभाग कितने हैं? 7 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 13, डी, बहुत बढ़िया। आगे देखो, सभी को पता होगा भाई, प्रबंध जब कराए थे तो प्रबंध में से हर क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। शास्त्रीय संगीत की कौन सी गेय विद्या प्रबंध के एक प्रकार, कैवाड़ प्रबंध के समान है? बताओ, तराना है, चतुरंग है, त्रिवट है या फिर आपका चेती है? जल्दी से बताओ। सी सी सी, बहुत बढ़िया। तो इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और बताओ कि इसमें कौन सी तीन चीजों का मिश्रण है? अरे उसको सही करा तो दिया था भाई, तानसेन हरिदास वाले, उसमें संवत और वो आपको दोनों करा दी थी। दूसरी वीडियो देखना उसके अगले, जो नेक्स्ट डे है। भारतीय दो मात्रा को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? अब देखो ये क्वेश्चन, उस दिन जब मैं आपको वेस्टर्न म्यूजिक करा रही थी तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था, अगर पाश्चात्य संगीत में पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है, और अगर भारतीय मात्रा पूछा जाएगा तो आपको कैसे करना है, बता। भारतीय दो मात्रा को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? ठीक, कितना, भारतीय दो मात्रा को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं, तो आपको बताएंगे क्या कहते हैं, ब्रीफ कहते हैं, सेमी ब्रीफ कहते हैं, मिनिम कहते हैं या क्वायर कहते हैं?
बताओ भाई जल्दी से। मैंने 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 तीन चीजों का मिश्रण होता है बेटा, जिसमें आपके तबला या पखावज के बोल होते हैं, सरगम होती है और आपके गीत के पद होते हैं। इन चीजों के मिश्रण से आपका क्या बनता है? त्रिवट बनता है। और चतुरंग में क्या हो जाता है? एक तराना और ऐड हो जाता है। चलो तराने के बोल सी। बहुत बढ़िया मिनिम। जरा बताइए मिनिम का साइन, मिनिम का साइन बताइए। चिल्ला कर बता रहे हैं मिनिम। बिल्कुल ये समझ में आ गया कि भारतीय दो मात्रा पूछा जा रहा है, और अगर भारतीय चार मात्रा पूछेंगे तो बताओ जरा क्या कहेंगे। भारतीय चार मात्रा किसके बराबर है पाश्चात्य संगीत में, बताइए भाई। हाँ जी बोलतान होती है बेटा कि बंदिश के स्वरों, बंदिश के बोलों को लेना, स्वरों पर जो बंदिश के बोल होते हैं उनको गाना आपकी बोलतान होती है। बाकी के ऑप्शंस का भी आंसर करो फटाफट से बताइए। प्राचीन काल में स्वर पद व ताल से युक्त रचना को कहा जाता था, क्या कहा जाता था बताओ? अभिसारी, आवृत्ति, आलप्ति या अशिप्तिका? दूर से ही दिख रहा है क्या आंसर होगा। प्राचीन काल में स्वर पद व ताल से युक्त रचना को क्या कहा जाता था? अभिसारी, आवृत्ति, आलप्ति या फिर आपका अशिप्तिका? तो कहा जाता था स्टूडेंट्स इसको अशिप्तिका। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दो सेकंड में आंसर कर दो बस। वाजिद अली शाह देख के, वाजिद अली शाह द्वारा किस विधा को प्रोत्साहित किया गया था? लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से जिसका उदय हुआ था कौन सी विधा है, और इन्होंने उसको प्रोत्साहित भी किया, और जब इन्होंने उसकी रचना की तो अपना नाम इन्होंने क्या लिखा है? अशिप्तिका। बहुत बढ़िया, क्या नाम लिखा है? तो आप बताएंगे अख्तरपिया। अख्तरपिया ने किस विधा को प्रोत्साहित किया? तो किया मैम ठुमरी को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। किसको किया था? ठुमरी को किया था। ये तो सभी को पता हुआ। ये भी गलत हो गया तो फिर क्या ही करें तुम्हारा। सोहनी में किस स्वर का प्रयोग नहीं होता है? सोहनी में किस स्वर का प्रयोग नहीं होता भाई? बहुत ही मुख्य स्वर है। ऋषभ का, धैवत का, पंचम का या फिर आपके गंधार का? बताओ। बहुत बढ़िया सिमरन, ठुमरी गाते थे। पंचम इसका प्रयोग नहीं होता है, तो पंचम का नहीं होता है। ठीक है, पंचम आपका वर्जित है दोनों में। चल पा, इतना बड़ा पा, हाँ इतने अवग्रह लगाने की क्या जरूरत है? हम समझ जाते हैं, पा लिख दो कि तब भी समझ में आ जाएगा, पूरा गा के ही बता दो। चलिए षड्ज ग्राम की मूर्छना कौन सी है? अब बताओ इसमें तुम्हें क्वेश्चन कहां से टफ लग रहे हैं? कितने सिंपल से क्वेश्चन पूछता है केवीएस, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इनमें तुम लोग जब बोलते हो कि डर लग रहा है। हाँ आज तक तुम्हें अगर जीता जागता चार पांच इकट्ठी 10-15 आत्माएं खड़ी कर देंगे तब तुमको डर नहीं लगेगा, वो डर के तुमसे भाग जाएंगी, लेकिन तुमको इन क्वेश्चन से डर लग रहा है। घर वालों से पूछ लेंगे तो बेचारे वो डरते होंगे तुमसे। बताओ षड्ज ग्राम की मूर्छना कौन सी है? उत्तर मंद्रा है, सोवेरी है, कलोपनता है या आपकी पौरवी है? एटी सेवन का ए। बहुत बढ़िया उत्तर मंद्रा। ये
सौवीण मध्यम की। हाँ जी बिल्कुल सही। आत्माओं से डर नहीं लगता मैम, लड़कियों से लगता है। अच्छा भाई, उनमें डरने वाला ऐसा क्या है? हाँ रजनी उत्तरायता, शुद्ध शर्जा मत्स्यता, अभिरुद्धता, अश्वक्रांता। बहुत बढ़िया पंकज, सबके नाम याद है, एक एक स्टूडेंट्स का पता है। जिस दिन लिस्ट आएगी ना, तब देखूंगी कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। हाँ पंकज सही बोल रहे हो, मैं भी लड़की हूँ। गान के दो भेद क्या थे बताओ, गान के दो भेद। अब बताना तुम्हें इसमें आंसर देखने की क्या जरूरत है, किसको नहीं पता गान के दो भेद कौन से हैं? पौरवी क्या है भैया? पौरवी मूर्छना है आपकी, मध्यम ग्राम की। ये कैसा क्वेश्चन है सौरभ? हाँ गान के दो भेद क्या थे, सांतारा, साकाकली, माघ और देसी, माघधी, अर्धमाघधी, संकीर्ण या छायालग? संकीर्ण और छायालग लग रहा होगा। पार्टी देने आऊंगा मैम एग्जाम पर, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आप, लेकिन कब, जब क्लियर कर लोगे तब। और ऐसा ही हो आपने जैसा सोचा है। मार्गी मोक्ष प्राप्त करने का साधन है, किसको? बिल्कुल मां पूर्वी लिख लिया मैंने। मारवाड़ी देसी, क्या चल रहा है भाई तुम्हारा? हाँ मारवाड़ी और गुजराती। चलो गान के दो भेद क्या थे, तो भाई किसी को भी इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं मार्गी और देसी, ठीक है। देसी का क्या उद्देश्य है? ये आपका मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाता था, और मार्गी मोक्ष प्राप्ति का आपका साधन था। अच्छा तो जरा बता देना, सामवेद में गान की संख्या क्या है? इसने बहुत अच्छा था, थोड़ा हार्ड के लिए। सामवेद में गान की संख्या बताओ और गान के नेम भी बताओ। चार जो भी आपके गान हैं सामवेद में, उन गान के नेम बताओ सबके। और अगर इतना है तो चलो ये भी बताओ, ये तो आपका क्वेश्चन इजी बताओ, सांतारा और साकाकली क्या है? बताइए सांतारा और साकाकली क्या है? चौदह हजार 820। भेरी वाद्य किस काल में प्रचलित था बताओ। अब तुम्हारे पता है कि अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे से मैंने, तो वो आंसर करते थे उसको, आधे बच्चे तो ये सोच के करते थे भाई यही आंसर होगा। सोनाली ठाकुर। अरे भाई मैंने गान के प्रकार पूछे हैं। भेरी वाद्य किस काल में प्रचलित था? ये प्रावैदिक काल नहीं है, प्रागैतिहासिक काल होगा, मध्य काल, प्राचीन काल या आपका आधुनिक काल बताओ। वाद्य प्राचीन, प्राचीन सी, बहुत बढ़िया पंकज सिंह, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका भेरी वाद्य है किसमें प्रचलित था, तो वो था आपका प्राचीन काल में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। किस काल में था, प्राचीन काल में आपका ये प्रचलित था, तो पहले जो ए बता रहे हो करेक्ट कर लो भाई। गा तिट किस ताल का अंश है? नहीं मैम थोड़ा टफ करो, आपके केवीएस वालों को मैं ये बोलूंगा भाई पीआईटी का ना बना के तुम पीजीटी का पेपर बना दो? हाँ जो दोबारा से एक बार मैसेज लिखो मैम थोड़ा टफ करो, तुम्हारा नेम नोट कर लेती हूँ है ना। इतने अगर ये इजी लग रहे हैं, उसके बाद अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो ये जिसका ये पंकज ने जो आपका ये मीम्स भेजा है ना, ऐसे ही फिर समझ लेना, डिटेल में याद नहीं होते मैम।
तो क्वेश्चन रटने से कोई फायदा नहीं, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर रटने से क्या फायदा बच्चा। ग तिट किस ताल का अंश है, झूमरा धमार पंचम सवारी या फिर आड़ा चौताल। तो भाई दूर से ही दिख रहा है ग तिट किसका है, इसकी शक्ल इससे मिल रही है, इससे बिछुड़ा हुआ है धमार, कौन सा विभाग है इसका। का धे ट धे ट धा आ ग ते ट ते ट ता आ। तो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा आपका तीसरा विभाग है धमार का, 14 मात्रा की ताल होती है, धमार के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, बजाई जाती है। चलिए रागालाप किसका प्रकार है, बी निबद्ध गान। चलिए ए अनिबद्ध गान, बी निबद्ध गान, सी गंधर्व गान या फिर आपका डी मार्गी, किसका प्रकार है रागालाप, जल्दी से बताओ आंसर करो जल्दी से। अरे रजनीश क्या बता रहे हो बेटा ये, हाँ। पक्का श्योर हो ना रागालाप पूछा जा रहा है, ए वालों एक बार दोबारा से देख लो वहां पे, फिर कहना सॉरी मैम। हाँ जो आंसर कर रहे हैं ए अभिबद्ध गान, लॉक कर दें। चलिए तो रागालाप किसका प्रकार है, तो ये है आपका अनिबद्ध गान का प्रकार, ठीक है। और आप मुझे एक बार बता दो कि स्वस्थान, स्वस्थान नियम क्या है, ये क्या है स्टूडेंट्स बताओ जल्दी। और मुझे ये भी बता दो रूप का लाप्ती क्या है, देखती हूँ किसने नोट्स अच्छे से रिवाइज करे हैं, बताइए रूप का लाप्ती क्या है और स्वस्थान नियम क्या है। यस मैम ओके, बहुत बढ़िया सौरभ, आ जाएंगे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जब आएंगे आ जाने तो तुम्हारी तैयारी बस बढ़िया है, हम कहते हैं उसी दिन वो रिलीज करे, वो उसका प्रॉब्लम है, जब करेगी तब अपना लेके चले जाना पेपर देने। आलाप का प्रकार है बहुत बढ़िया, स्वस्थान नियम कितने नियम थे मैम, चार नियम थे। ये भी पूछा जाता है कि स्वस्थान नियमों में कितने नियमों का पालन करना पड़ता था, चार नियमों का पालन करना पड़ता था। और आपका रागालाप क्या है, अलाप नाम का जो भी शब्द आ जाए ना, अलाप से संबंधित कुछ भी दिख जाए भाई अनिबद्ध में लगा देना बिना सोचे समझे, अनिबद्ध मतलब जो आपकी निबद्ध ना हो, रूप अलाप आलाप थी स्वस्थान नियम, बहुत बढ़िया। लो कितने इजी मैम, पेपर से डर लग रहा है, इन क्वेश्चन से इनको डर लग रहा है। भातखंडे पद्धति में मंत्र सप्तक स्वर के लिए चिन्ह है, स्वर के नीचे बिंदु, स्वर के ऊपर बिंदु, कोष्टक में स्वर या स्वर के ऊपर खड़ी रेखा। अगर ये वादन वाले बच्चे गए तो मैं फिर भी समझ सकती हूँ कि चलो, गायन वालों तुम्हारे लिए तो ये क्या है, क्या है मतलब पेपर सॉल्व करते समय खुद पूछा अच्छा ये पेपर है, इससे हम डर रहे थे। अर्थस्थित और द्विगुण, बहुत बढ़िया। जरा बताइए तो फिर द्विअर्थ स्वर कौन सा होता है, जो बताओ जरा द्विअर्थ स्वर कौन सा होता है और द्विगुण स्वर कौन सा होता है बताओ। स्थाई स्वर से कौन सा स्वर द्विअर्थ होता है और स्थाई स्वर से कौन सा स्वर आपका द्विगुण होता है, जल्दी से बताओ। तार में ऊपर बिंदु, सौरभ साहू तार में ऊपर बिंदु, कौन सा तार, बिजली वाला तार। क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में, भातखंडे पद्धति में मंत्र सप्तक स्वर के लिए चिन्ह है, तो तार में ऊपर बिंदु कहाँ पे लगाओगे। हाँ ये लो, अगर तार की बात कर रहे हो ये रहा तार, अब एक और बिंदु लगा दू इसमें, ये है मंत्र सप्तक। स्थाई से, अरे वाह वेरी गुड, स्थाई से चौथा स्वर, स्थाई से वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे जिसने इसका आंसर दिया है। स्थाई से चौथा स्वर क्या होता है, स्थाई स्वर से चौथा होता है द्विअर्थ और स्थाई से आठवां होता है द्विगुण, और इन दोनों के जो मध्य के स्वर होते हैं, इनके जो बीच के स्वर होते हैं उनको कहते हैं आपका अर्थस्थित स्वर। क्लियर है, शाबाश। बेटा थ्योरी की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है एक दो दिन से, एमपी एग्जाम्स बाय एग्जाम पोर पे आपका जो एमपी के एग्जाम के लिए हम उसमें आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, बिल्कुल भी परेशान ना होइए।
अर्ध स्वर बीच में, बहुत बढ़िया। चले चलिए इसका आंसर दो भाई, कहाँ गायब हो गए? एक दो स्टूडेंट करेगा उसके बाद सबका सेम सेम आंसर आने लगता है, कभी गलत करके देखो जे। स्वर के नीचे दो, हाँ बिल्कुल। तुम्हें बुला के ना घर पे वो लिस्ट ही नहीं पकड़ा देगी, सर लीजिए और अपने हिसाब से इसमें नाम लिख लीजिए। सर के नीचे बिंदु मैम, सर के नीचे तार के ऊपर किसने बताया था? और तो भात खंडे पद्धति में मंत्र सप्तक स्वर के चिन्ह क्या है? स्वर के नीचे बिंदु, ये क्या है आपका? मंत्र सप्तक है, ये क्या है आपका? तार सप्तक है, ठीक है। और अगर आपका विष्णु दिगंबर पद्धति में पूछा जाएगा तो ये आपका मंत्र सप्तक है। चलो, विचित्र वीणा वादक कौन थे? देखो विभिन्न, एक नाम से हमारा क्वेश्चन गलत कराने के पूरे मूड में है। बताइए विचित्र वीणा वादक कौन है? ब्रजभूषण काबरा, अन्नपूर्णा जी, गोपाल कृष्ण या निखिल बैनर्जी? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सब नया भी रहे हैं, हाँ तराश रहे हैं तुमको, बिल्कुल तराश लो अपने आप को। कौन सी खान में बैठे हुए ये भी बताओ, एड्रेस दे देती हूँ मैं संगठन को, पहुंच जाए तुम्हें निकालने। मनीषा ठाकुर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो बेटा? सी सी सी, बहुत बढ़िया। एक को भी नहीं पता होगा विचित्र वीणा वादक है, लेकिन बाकी के पता होगा, ये पता है मेरे को, ठीक है। तो फिर चलो एक बार बताओ, अन्नपूर्णा देवी जी किससे संबंधित हैं? ब्रजभूषण काबरा और आपके निखिल बैनर्जी। 5 सेकंड में आंसर कर देना। गोपाल कृष्ण, सबका आंसर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इनका बताइए आप, अन्नपूर्णा देवी चलो क्यों रोहित लेकर जाओगे इलाहाबाद में, किसी का सेंटर होगा तो कि भाई तू भी चल, मेरे से पेपर अकेले हैंडल नहीं होगा, मैं डर जाऊंगा, तू साथ में चल रहा मेरे, बैठ जाइयो बस पेपर मैं कर लूंगा, तू साइड में बैठा रहे। हाँ बिल्कुल, इनका नाम किसके साथ जोड़ा जाता है? तो आपका पता है कि सुर बहार के साथ। कहाँ है अन्नपूर्णा जी? सुर बहार वादिका है ये। ब्रजभूषण काबरा गिटार, निखिल बैनर्जी आपके सितार। अब बचा कौन? ये तो भाई बहुत ही चर्चित नाम है, सभी को पता होगा कौन बचे, कृष्ण साहब बचे, तो ऑब्वियसली बात है कि यही होंगे। सुर बहार सरो दोनों लिख सकते हो, डर लगता है, हाँ तभी तो कह रहे लेकर जाओ अपने साथ दो चारों को, मम्मी पापा को भी ले जाना। कॉर्ड्स की सतत श्रृंखला क्या कहलाती है? बताइए कॉर्ड्स की सतत श्रृंखला क्या कहलाती है? हारमोनी, डिस्कॉर्ड, मेलोडी या फिर परिणामी स्वर? सबका पेपर बहुत अच्छा होगा, बस जो अभी दिन है, अगर पढ़ोगे नहीं तो कहां से अच्छा होगा। हाँ फिर पढ़ाई करो रहे हो, सारी चीजें तैयार हैं, फिर क्यों डर रहे हो? या तो अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं है। मैंने बोला ये हारमोनी में से माँ किसने गायब कर दिया? मेलोडी, मेलोडी वाले बाहर खड़े हो जाओ अपनी जगह पर, चल हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ जो मेलोडी आंसर कर रहे हो। हाँ कॉर्ड्स की बात हो रही है, बताया कि एक एक स्वर की जब बढ़त होती है तो वो होता है आपका मेलोडी, और जहां कॉर्ड्स की बात हो जाती है तो वहां पे आता है आपका हारमोनी, उसके बाद भी तुम्हारा मेलोडी नहीं खत्म हो रहा है ना। भारत आपका जो हिंदुस्तानी संगीत है वो किस पर आधारित है? मेलोडी पर आधारित है, और आपका जो पाश्चात्य संगीत है वो हारमोनी पर आधारित है। बताओ पंचम सवारी किस वास का ताल है? समेट, प्रस्तर, बंद या फिर खुला? विगत वर्ष का प्रश्न है ये, बताइए। मेरा वाराणसी में है डार्क जी,
बहुत बढ़िया, बनवास मेलोडी तो वेस्टर्न, मेलोडी वेस्टर्न बच्चे कैसे हो जाएगा। हाँ चलो, पंचम सवारी किस बांस का ताल है? तो भाई ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, बंद बांस का ताल। और चार ताल हमने आपको बताया था कि वो है आपका खुले बांस का ताल। गुड मॉर्निंग लता, इतना लेट कैसे हो? बताओ, सामा संगति किस राग में प्रयोग होती है? कितने क्वेश्चन है देख लेना इसमें, संगति के मैं बता रही हूँ आपको, चार पांच क्वेश्चन मिलेंगे और थाट के मिलेंगे आपको 12 से 15 क्वेश्चन। लेकिन उसमें अगर सिर्फ संगति के क्वेश्चन की जो टेंशन लेते हो छोड़ भी दोगे इसमें, तो भी चार क्वेश्चन का रिस्क लोगे। और ऐसा नहीं है जब इतनी थ्योरी तैयार होगी कि आपकी संगति गलत हो जाएगी। बी 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 बहुत बढ़िया, इसका है तो ये है आपका बागेश्वरी का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बैठ जाओ थोड़ा सा, बताओ। चलो, राम कली का थाट है काफी खमाज पूर्वी या फिर आपका भैरव? बताओ भाई। किसका पूछा जा रहा है? रामकली, आपको पता है ये किसका संप्राकृतिक राग है? भैरव का है, तो इसका क्या हो जाएगा थाट? इसका थाट क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मैम ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर, भैरव थाट का ये आपका राग है। उस्ताद अहमद जान थरकवा तबले के कौन से घराने से संबंधित थे? भाई इसमें है आपका कंफ्यूजन, लेकिन हम कराएंगे जो आपका माना गया है, जो आपका माना गया है इसमें आपके दोनों देखने को मिलते हैं। तो बताइए, पंजाब, दिल्ली, अजराणा या फिर आपका फरुखाबाद? जल्दी से आंसर करो। ये भाई देखो, आपके क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुझे पता है कहीं ना कहीं यहाँ पर डाउट जरूर रह रहा होगा, तो जो आपके प्रीवियस ईयर में माने गए हैं उसी हिसाब से कराया जाएगा। अब इसमें भी आपको पता है कि दिल्ली और फरुखाबाद में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। हाँ बिल्कुल, बी बी है, अहमद जान थिरकवा, हाँ डी। तो आप क्या बताओगे इसका? इसमें आपका माना गया है डी, ठीक है, बोर्ड ने आपका इसका आंसर डी माना है। और बास वाले का भी सेम चीज है बेटा, तो क्या करोगे, बोर्ड से लड़ने जाओगे? ठीक है चलिए, झूमरा ताल की कितनी मात्रा है? 13, 14, 15 या फिर 16? झूमरा ताल की कितनी मात्रा है बताओ? दिल्ली भी लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर वहां पे फरुखाबाद ही माना गया है इसका, फिर हम क्या करेंगे? दिल्ली गलत नहीं होगा इसका आंसर। करो बेटा, झूमरा ताल की कितनी मात्राएं हैं बताइए जल्दी से, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। बहुत बढ़िया, कितनी है? 14 मात्राएं हैं, शाबाश। किसने दिया है सबसे पहले आंसर? चलो आगे देखो, तो ये क्वेश्चन अभी मैंने पूछा था जस्ट आपसे। ग्रंथों में कितने स्वस्थान नियम बताए गए हैं? 3, 4, 7 या फिर आपके 10? बताइए, ये सिंपल सी ताले हैं, सब कर लोगे, इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन की इतनी नीड नहीं है। जल्दी से बताओ, ग्रंथों में कितने स्वस्थान नियम बताए गए हैं? 3, 4, 7 या फिर स्टूडेंट्स आपके 10?
चार। बहुत बढ़िया, कितने बताए गए हैं? चार बताए गए हैं। पहले मैं आपको पता है कि आप कैसे क्या करते थे, चारों नियम मैंने आपको स्वस्थान नियम के अंतर्गत कराए हैं। द्व्यर्थ स्वर से नीचे के स्वरों में आपको अलाप करना होता था, दूसरे में द्व्यर्थ स्वर तक अलाप करना होता था, फिर अर्ध स्थिर तक, उसके बाद आपको द्विगुण स्वर या फिर तार सप तक अपनी मनमर्जी से आप कर सकते थे। लेकिन एक कंडीशन वहां पे भी थी कि वापस आना था आपको स्थाई स्वर पर ही। राग बसंत का थाट है, बिलावल, तोड़ी, पूर्वी या फिर आपका आसावरी, बताओ बसंत का थाट क्या है? क्या नहीं देखा, क्या बताऊं दोबारा? बताइए जी मैम। राग बसंत का थाट क्या है? त्रि के अंतिम प्रहर में गाया जाता है, सी और फोर में बच्चे कंफ्यूज है, तो इसका हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? वसंत का थाट पूर्वी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। लो, गंधर्व संगीत का प्रयोग करते थे, गंधर्व, ऋषि, योगी या फिर सामान्य जन? सामान्य जन मतलब आप और हमारे जैसे लोग। मेरा फेवरेट क्या, बसंत या पूर्वी? गांधर्व संगीत का प्रयोग करते थे, आपके तो दूर से ही वही दिख रहा है, गांधर्व प्लस गांधर्व। कौन करते थे आपके? गंधर्व करते थे। गांधर्व या मार्गी संगीत की बात करें तो इनका प्रयोग कौन करते थे आपके? गांधर्व लोग करते थे। बीडी बलुष्कर के शिष्य कौन है या नहीं है? बताइए बीडी बलुष्कर के शिष्य कौन नहीं है? ओंकारनाथ ठाकुर, डीवी बलुष्कर, नारायण राव व्यास, एस एन रतन जांकर, जल्दी से बताओ इसका आंसर। मैं भी करता हूं। अच्छा, तुम देसी कोई अच्छे से पढ़ लो, वही बहुत बड़ी मेहरबानी है। दो 30 रागों में तो बोलते हो कि कैसे करें। अरे शैतानो, एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लो। ये आया आपका सिमरन का आंसर, बस चिल्ला चिल्ला कर, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बोल रही हूँ कि इस नहीं को निकाल लिया करो, ऊपर आ जा भाई बाहर। नहीं, नहीं है पूछा गया है। ए ए ए लाइन लगा दी एक ही सबने। अभी भी स्नेहा का ओमकार नाथ ठाकुर चल रहा है। लगा देना ओमकार नाथ ठाकुर, वो दे देगा आपको 0। ये ले जाओ बेटा हमारी तरफ से गिफ्ट में इसके लिए। वो तो शुक्र है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं, मतलब 0 के साथ तो तुम्हें 2-4 नंबर और कर लेते ऐसे ही सारे क्वेश्चन अगर तुम करते हो। कितनी बार बताया था? अरे भाई डीवी पलुष्कर कौन है आपको पता है? डीवी पलुष्कर या फिर ओमकार नाथ ठाकुर, डीवी पलुष्कर इनके सुपुत्र थे तो ये भी इन्हीं के शिष्य हैं। ओमकार नाथ ठाकुर भी इनके शिष्य हैं, ये भी इनके शिष्य हैं। जो नहीं है वो है एस एन रतन जांकर। सी डी सी कौन है? रानड, मतलब इतना कंफ्यूज हो। मैं आप थोड़े से क्वेश्चन ना टफ लेकर आइए, तुमसे इजी क्वेश्चन तो ये हाल है सारा मिसलेनियस आंसर। वर्षा, अरे बच्चे रुक जाओ, थम जाओ, ए ए ए बेटा रुक जाओ थोड़ा सा। क्या पूछ रहा है? बीडी परुष्कर के शिष्य नहीं है, नहीं है पूछ रहा है मेरे बच्चे, रुको। ए पे कैसे? पहला ही देख के ओंकार नाथ ठाकुर तो अभी जस्ट बता के चुके थे क्वेश्चन को। अगर लग रहा है ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सिंपल लग रहे हैं उसमें नहीं जरूर होगा। चले आगे, अभी भी वर्षा ना मैडम आप कुछ भी बोलो, मैं कह रही हूँ ए होगा तो मतलब ए होगा, चाहे वो मेरा नंबर काट ले, लेकिन मैं ए ही लगा कर आऊंगी। वाह मेरे मेधावी छात्रों, क्या बात है, अब तो दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, ए मतलब ए। भाई तुम्हारी मर्जी है। निम्नलिखित में से कौन से स्वर मारवा थाटके हैं? बताओ भाई कौन से स्वर है इसमें मारवा थाटके। वाह टाइपिस्ट भैया, उनकी भी क्या बात है,
सारे स्वर उन्होंने एक से कर रखे हैं। अब तुम बताओ इसमें क्या लगाओगे, अगर ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ गया इनमें से कौन से मारवत हट गए तो तुम क्या लगाओगे बताओ। जब तुम इसका जब तक आंसर करो हम नहीं को हटा देंगे क्वेश्चन से। हाँ बिल्कुल सही बात है राम, नहीं हटा सकते लेकिन मैम आंसर नहीं बदला जाएगा। सारे ही नहीं है किसी पर भी मार दो। रेधा कोमल मा तीव्र, लो भाई कर दिया। रेधा कोमल मध्यम तीव्र, बताना बेटा ये कौन सा है, मारवा थाट है। रेगा धामा धामा गारे, अब मुझे बताओ जरा बताना जरा क्या है। आंसर करो इसका बच्चा। डी डी में क्या है बेटा, रेगा धानी कोमल, शाबाश क्या बात, वेरी गुड वेल डन, वाह। डी मारवा, मारवा भी शर्मा रहा होगा भाई, वो भी अपना सर पीट रहा होगा, कहाँ आ गया आज, कह रहा होगा मैडम मेरे को भगा दो यहाँ से, इनके आंसर देख के मैं भी घबरा गया हूँ। अरे मैम थोड़े टफ क्वेश्चन लाओ, इजी तो निकल नहीं रहे हैं ये। रेगा धानी किसमें, मारवा में लगता है, तो बेटे जरा भैरवी के बता दो तुमने क्या सोच रखा है, भैरवी के कौन से स्वर दोगे बताइए, भैरवी से ही पूछ लेते हैं। मैम भी होगा बहुत बढ़िया, रेगा धानी कोमल भैरवी, रे कोमल मध्यम तीव्र मारवा, गानी कोमल, गानी कोमल भाई मेरे हिसाब से तो काफी होगा, लेकिन अब मुझे अपने थोड़े विद्यार्थियों को भी देख के चलना है, वो पता नहीं आजकल वो कौन से मूड में बैठे हुए हैं, सारे आंसर्स के क्या क्या क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर ही आ रहे हैं और मानने को तैयार नहीं है, कहते मैम आप बोलते रहो हम नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अचल स्वर होते हैं ना, अड़े हैं हम अपने, इतना मैंने आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया कि आप सुनने को ही तैयार नहीं हो, वाह बहुत अच्छी मोटिवेटर हूँ फिर तो मैं। इसके बाद है बेटा रेधा कोमल मध्यम तीव्र, रेधा कोमल मध्यम तीव्र, भैरव थाट के अगर मध्यम को तीव्र कर दिया जाए तो कौन सा थाट होगा, होगा मैम पूर्वी, बताओ सही है, समझ गए। वर्षा क्या कहने की कोशिश कर रहे बेटा, चल एक ताल में कितनी ताली हैं, एक ताल में कितनी ताली हैं, तीन चार पांच छह, बारह मात्रा की ताल है, छह विभाग हैं, आगे नहीं बता सकती पहले तुम्हारा आंसर देख लूं। पंकज तीन ताली हैं, अच्छा बेटा क्या हो गया, पंकज आंसर कैसे गलत आ रहा है, हाँ किसकी बात हो रही है, एक ताल की बात हो रही है, एक पांच नौ ग्यारह, कौन सी एक गायब कर दी भाई, एक पांच नौ ग्यारह ताली। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि इसमें चार ताली होती हैं, किस तरीके से कैसे मानोगे तुम लोग, और आपकी दो खाली यानी तीन और सात पर आपकी क्या है बच्चा, खाली है, तीन और सात पे खाली है। अब तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पीडीएफ में बनवाया करूंगी कि भाई इसके अनुसार ये कहा गया है, इस ग्रंथ में इन्होंने ये माना है, ये इस विद्वान के अनुसार ये है, तब माना करोगे कि मैम हमें प्रमाण दीजिए।
हम नहीं मानेंगे बिल्कुल भी इस बात को। चलो थम्स अप करो, चले आगे। जब आई थी तो थोड़ा सा टेंशन में थी, लेकिन तुम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस के आंसर कर करके सारा टेंशन पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। चलो, पाताक्षर स्वर पद व तराने के बोलों का प्रयोग किस रचना में किया जाता है, यह कहलाती है आपकी, बच्चे साधरा, त्रिवट, धमार या आपका, इनको भी देखो, चतुरंग। हाँ सोनाली, होती तो चार ताल है, चार ताल आंसर करिए। याद ही ना कर पाए, डार्क नाइट। ऐसा मत करो भाई, उन बच्चों से पूछो जो पेपर देने जा रहे हैं, उनको कितनी मुश्किल हो रही होगी इन नामों को याद करने में। तुम और एक ग्रंथ ऐसे लिख के चले जाओ। चतुरंग, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखो पाटाक्षर की बात हो रही है, पाटाक्षर आप जानते हो पखावस के बोल होते हैं, इसमें तबले के होते हैं। स्वर की बात हो रही है, पद व तराने की बात हो रही है, पद मतलब किसी गीत के पद, और तराने के बोलों का जब जिस रचना में प्रयोग किया जाता है वो कहलाती है आपकी चतुरंग। एक दो तीन चार, चार मतलब चतुरंग, चार चार अंग मतलब किसके, चतुर के चार अंग, ठीक है। और तीन इसमें से तराना गायब कर देना, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका त्रिवट, जिसको केवाड़ प्रबंध के समान कहा गया है। जब जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना, और इतनी किताबें जब पढ़ लोगे, किताबें पढ़ लोगे, बैचेस से पढ़ लोगे, सारी चीजें सीख लोगे, दिमाग क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, ये कैसे, ये कहाँ से, ये कब होगा, लेकिन इसके जवाब भी आप ही के पास होंगे, ठीक है। पूछो उन लोगों से जो इतना डीप स्टडी करते हैं, ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी में जाके सीधे शारंग देव का ग्रंथ निकालो भाई, किताबों को नहीं मानेंगे, इनका ही डायरेक्ट इन्हीं का ग्रंथ पढ़ते हैं। लाओ भाई सप्ताध्याय लाओ, सातों अध्याय हम पढ़ के आएंगे। यस बिल्कुल, इनमें से चर्म वाद्य कौन सा है, अरे चर्म वाद्य कौन सा है, दुंदुभी, इसरा, सुंदरी या फिर घटम। क्रियांग, उपांग। वर्षा इतना पीछे कैसे चल रहे हो आप, चर्म समझ रहे हो ना, चर्म वाद्य। है ना, जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं, जिन्होंने 8-10 किताबों से स्टडी की होगी, उनसे पूछो, उनको डाउट, उनके डाउट जेन्युइन होते हैं। विश्वासी हो गए भाई, स्टैंड अप कॉमेडी है नो, सच में सारे दुंदुभी, चर्म समझ गए ना। हाँ तुम्हें संजीवनी ही दी जा रही है। अब एक बात बताओ, संगीत में पढ़ने के लिए इतना कुछ है, इतना कुछ है कि सालों कम पढ़ जाएंगे, इतना कुछ जानने के लिए। आप क्या करते हो, 12th करके आते हो, फिर 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, फिर मास्टर्स करते हो, उसके बाद प्रभाकर करते हो, पता नहीं विशारद, प्रभाकर, क्या क्या करे होते हो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे, फिर अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, वहां भी 2-4 नंबर से रह जाते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं अभी भी कमी रह रही है जो रह रहे हो, इतना संगीत पढ़ने के बाद। और उसके बाद फिर आते हो, कुछ बिगिनर्स आते हैं बैच लेने कि मैम अब हम बैच ले ले रहे हैं, हमारा पेपर निकल जाएगा। क्या 5-7 साल का सिलेबस आपको 1 महीने में कराया जा सकता है, नहीं, लेकिन हम फिर भी पूरी कोशिश करते हैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड, सारा सामने जो मेंटर खड़ा भी कुछ तो करके यहाँ पे खड़ा ही होगा, ऐसे तो है नहीं कि सामने कुछ भी किसी को भी लाके खड़ा कर देंगे, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, तो वो सारा आपका एनालाइज करके निचोड़ कर, संजीवनी बनाते हैं ना सारे पत्तों को निचोड़ कर, वो देखे ये पिला के तुमको ऐसे करके पिला दिया जाता है कि शैतानो अब तो पढ़ के चले जाओ, कुछ इतने सालों से नहीं, अगर सीरियस हुए अब तो पढ़ लो और अब तो करके आओ। यस क्रिंशु, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बेटा आपका दुंदुभी। इनमें से चर्म वाद्य कौन सा है, आपका दुंदुभी है। प्रियंका, एक ही शर्त में बताऊंगी, जब आप पेपर क्लियर करके मेरे सामने आओगे। एक क्वेश्चन आया भी था मेरे पास, पर्सनली भी आया था, मैंने उनको भी उनका डाउट, वो भी थोड़ा सा फिर सोच रही थी सीरियसली ना। किस शासक ने द्रुपद को प्रोत्साहित किया है, बताओ किस शासक ने द्रुपद को प्रोत्साहित किया है। मान सिंह तोमर, वाजिद अली शाह, सुल्तान हुसैन सरकी, मोहम्मद शाह रंगीले। 3 इडियट देखी है आपने, चलो मेरी तो बात अभी साइड में करते थे। 3 इडियट्स में देखा है,
जो आमिर खान होता है कितना टैलेंटेड होता है, लेकिन वो किसी और का नाम रख के पढ़ाई कर रहा होता है, और वो जनाब बैठ के आराम से सो रहे होते हैं, अपने पिताश्री का मातम मना रहे होते हैं कि डिग्री तो हमारे पास आ ही जाएगी, तो कभी भी इम्पोर्टेंस नॉलेज को दो, ठीक है, पेपर्स को नहीं। मैं भी मानती हूँ कि ऐसा नहीं कि ऐसे ही पेपर्स मिल जाते हैं, लेकिन आजकल इंटरव्यू का टाइम चल रहा है, आपके पास कितनी भी है लोगों को फिर भी डाउट होगा कि कैसे, आजकल आपके पास नॉलेज कितनी है। किस शासक ने द्रुपद को प्रोत्साहित किया है, तो वो किया है आपका मान सिंह तोमर, मृग नैनी, उनकी सुंदरता पे मोहित हो गए थे। इनके पिताश्री ने दो शर्तें रखी थी कि अगर इन दो शर्तों को फुलफिल करोगे, इन दो कंडीशन को फुलफिल करोगे, तो ही हम अपनी सुपुत्री आपको देंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल भाई, मोहित हो गए हैं तो अब तुम दो रखो या 2000 रखो, करनी तो पड़ेगी। शुक्र है उन्होंने दो ही रखी, एक तो महल अलग बनवा दीजिए और एक हमारे गांव से नहर बनवाइए सीधे हमारी बिटिया के घर तक के लिए, वो हमारे घर का ही पानी पिएगी। क्या थी वो, एक गुर्जरी बालिका थी, गुजरी बालिका। चंद्रकोंस में कौन से स्वर वर्जित है, ऋषभ धैवत, ऋषभ धैवत, ऋषभ पंचम, मध्यम निषाद, पंचम धैवत, ऐसे याद नहीं होते तो ऐसे इनकी बायोग्राफीज कितनी इंटरेस्टिंग होती है। वैसे अगर अभी तुमको बोलो किसी को शाहरुख खान की मूवी देखने के लिए, कोई होगी लव स्टोरी, फटाफट से देखने चले जाओगे, लेकिन इसी को इंटरेस्ट को अपनी बुक्स में डालो। यस कोमल, बिल्कुल सही कह रहे हो, मान सिंह तोमर। संगीत के गुरु तो ऐसे थे भाई, अगर आप किसी से संगीत सीख रहे हो घराना परंपरा में जाके पूछना, स्माइल नहीं कर सकते। मैं भी जब संगीत सीखती थी, अभी काफी टाइम हो गया, प्रैक्टिकल म्यूजिक की बात कर रही हूँ, तो वहां पे हमारे भी गुरुदेव ऐसे ही सामने बैठे होते थे, काफी चौकी सी होती थी, ऊपर बैठे होते थे, हमको जमीन पे बैठना पड़ता था और प्रॉपर ऐसे पोजीशन में हाथ में अपना होता था तानपुरा हारमोनियम। अगर आपका स्वर स्वर प्रॉपर तरीके से नहीं लग रहा है, अगर अति कोमल है तो अति कोमल नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब सर ये नहीं बोलते थे क्यों नहीं लग रहा, अरे भाई उस समय स्टूडेंट एज थी, थोड़ा चंचलता भी थी। भाव प्रकट करो, भाव प्रकट करो। अब भाव कैसे प्रकट, अब कोई क्वेश्चन ऐसा था, मतलब एक राग था गॉड मल्हार था, गॉड मल्हार राग की बंदिश तो सबने सुनी होगी। अब उसमें भाई स्टूडेंट एज है, शादी भी हुई नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं है कि एक्सपीरियंस हो, सर ने पीछे पड़ जाना था, नहीं भाव लेकर आओ, फीलिंग्स लेकर आओ, भाव लेकर आओ, ये संगीत था उस टाइम पे भी। मैं कह रही हूँ आजकल बहुत ईजी हो गया है, अगर अभी भी मैं सिखाती हूँ तो बहुत सिंपल तरीके से, जब हमने सीखा है हमारे लिए भी बहुत टफ था भाई, मतलब संगीत के गुरु जी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अब क्या कोयल ही बन के बोलेंगे हैं, बहुत बढ़िया। पंकज मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला है, चलो क्वेश्चन पहले। चंद्र कोंस में स्वर वर्जित है, ऋषभ धैवत, ऋषभ पंचम, मध्यम निषाद या पंचम धैवत, आया किसी का आंसर? बिल्कुल प्रीति पाठक, गुड क्वेश्चन, ले दीजिए कोई क्वेश्चन। सितार बेटा, सिर्फ तारों से नहीं पूरा सितार समझना पड़ेगा, कल की क्लास में रखते हैं इसको, छोटा सा स्टार्टिंग में टॉपिक, तो भाई आपका पता नहीं कहाँ हो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेपा, ठीक है, इतनी देर से वेट कर रही हूँ। लता का अब आंसर आया, आशुतोष बहुत बढ़िया। इसमें जो चंद्रकोंस में वर्जित है, और किसका संप्राकृतिक राग है, मालकोंस का। अब आप बताओ जो लोग प्रैक्टिकल पे हम लोग कितना फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल म्यूजिक पे कितना फोकस करते हो, म्यूजिक ने जिसने सीखा होगा सारा का सारा भाई बड़ा ख्याल पढ़ रहे हैं, छोटा ख्याल, ध्रुपद, तराना, ठुमरी, फोक सॉन्ग्स, लेकिन आज जब यहाँ बैठे हो, थ्योरी तो मुझे लगता नहीं बहुत ही कम पढ़कर आए होंगे, आज जब यहाँ बैठे हो तबला वाले अपने कायदा लगा रहे हैं, अपने टुकड़े पर सारी चीजें तैयार कर रहे हो ना, आज आपको क्या काम आ रहा है थ्योरी, जो कि आपको पढ़ाई नहीं गई होगी स्कूल आपके कॉलेजेस में,
इसका बेटा संप्रकृतिक राग पूछा जाता है, तो आपको कौन सा बताना है, मालकोंस बताना है, ठीक है। बताओ निम्नलिखित तालों में उनकी ताली की संख्या से मेल मिलाइए और सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। एक ही नजर में सही दिख गया, बाकी के देखने की जरूरत ही नहीं है। बताओ सूल ताल 158, एक ताल 1510, तीन ताल 1511 और झप ताल 138। बताओ कौन सी ताल है। हाँ थ्योरी में बाजेगा नहीं, मैंने टॉप किया है, मेरे तो नहीं आए, मैं तो शुरू से इतना था, अपना कॉलेज टॉप किया था पूरा। चाहो तो अगर विश्वास नहीं हो तो शील्ड देख लेना, शील्ड वील्ड सब है। कौन बता रहा है सी ऑप्शन। हाँ कैसे भाई, मैंने आपको लगा के भी दिखा दी लगा के भी दिखा दी। बताओ कौन सी ताल है। शाबाश रजनीश। तो हम करेंगे बेटा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। मैंने बोला दूर से ही नजर आ जाता है सही आंसर अगर जैसे चाणक्य थे, दूर से ही देख लिया था कि भाई चंद्रगुप्त में ये सारी क्वालिटीज है राजा बनने की, मैं सिर्फ इसको गाइडेंस चाहिए, ऐसे ही दिख जाता है कि भैया ये जो क्वेश्चन है इसकी शक्ल लग रही है कि ताली पूछ रहा है, तो ये रहा 138। धी ना धी ना ती ना धी ना। बताओ क्लियर है, इसीलिए बोलते हैं बोल याद करा करो, बोल याद करोगे अब तुम ताली पूछो, खाली पूछो, सम पूछो, मात्रा पूछो, विभाग पूछो, सारा क्लियर है। चले आगे, लो सिंपल सा क्वेश्चन। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं। देखो इस बार तो समय कम दिया है केवीएस, लेकिन अगला जब हम बैच लॉन्च करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कोर्स कब कंप्लीट हो गया, सारी चीजें कोशिश रहेगी। देखो बैच की टाइमिंग होती है आपकी 3 मंथ्स की, 3 मंथ्स में हमारा कवर कराना भाई हमें दिया जाता है टारगेट आपको कंप्लीट कराना, लेकिन क्या आपको लगता है कि 2-3 साल की चीजें 3 महीने में कवर हो पाएंगी, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी एग्जाम ओरिएंटेड चीज आपको कराई जाती है। भाई कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है ना, प्रोफेशनल चीजें अलग होती हैं, पर्सनल चीजें अलग होती हैं, वहां भी देखना पड़ता है। 15 15 15 पंचम सवारी ताल में कितनी मात्रा होती है। 17 16 15 14, तो दूर से ही दिख रहा है भाई पंचम सवारी की बात हो रही है। जरा बताओ स्टूडेंट्स गज झंपा, मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ मुझे दिख नहीं रहा कहीं गज झंपा का क्वेश्चन। गज झंपा में कितनी ताले होती है। ऐसा लग रहा है वहां पे गोली लेके खड़े हुए हैं, बंदूक लेके, कि मैम डर लग रहा है जाएंगे सीधे शूट कर देंगे एग्जाम हॉल में। कह तो रही हूँ घर वाले बेचारे डर डर के रहते होंगे, अगर इसको कुछ बोला तो अभी शुरू हो जाएगी, लेकिन देखो ऐसे डर लग रहा है और उनको डर लग रहा है, अच्छे खासे एग्जाम काफी क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया 15। इसका आंसर तो बच्चा षड्ज पंचम भाव का अंतराल 12 श्रुति 13 श्रुति 9 श्रुति या आपका 17 श्रुति। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ षड्ज पंचम। अभी मैं तुमसे लास्ट में 5 मिनट का डिस्कशन करूंगी। मैडम दूर से ही दिख रहा है षड्ज पंचम, ये रहा मध्यम। कैसे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, कल की आपकी क्लास में किया था, एमपी वाली क्लास में अगर क्वेश्चन आएगा वहां कर देंगे। बताओ करने वाली एक्सप्लेन की जरूरत है, नहीं है, फिर भी जान लो भाई 13 श्रुति का अंतर होता है, षड्ज हो गया आपका 4थी पर, पंचम हो गया आपका 17वीं पर, अंतर हो गया आपका 13 का, षड्ज हो गया 4थी पर, मध्यम हो गया 13 पर, अंतर हो गया 9 का। बता दो क्लियर है, थम्स अप करो एक बार, क्लियर है। एक बार इसको एक्सप्लेन कर दीजिए बच्चे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, थोड़ा डिटेल बताऊंगी इसकी। 13 श्रुति का अंतर कैसे है। अब एक को पता है कि आपको अच्छे से पता है आपका षड्ज कौन सी श्रुति पर है, मैम 4थी श्रुति पर है, पंचम कौन सी श्रुति पर, पंचम है आपका 17वीं श्रुति पर। कितना
कितना अंतर हो गया, जरा करना एक बार कितना अंतर हो गया, करो मैम, बस मेहनत करते रहो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आराम से पढ़ो, एक ही लक्ष्य है भाई, उस पर फोकस करना है, इसका मतलब ये नहीं। बात देखो बेटा, चौथी बार 13 पे अंतर देखना जरा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कहाँ पे आ रहा है, 13 पे आ रहा है, यानी 13 का अंतर हो गया। ऐसे ही अब मध्यम को ले लो, चौथे पे सा है, 13 पे मध्यम है, कितना अंतर है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये रहा आपका 9 श्रुति का अंतर। अब बताओ कोई दिक्कत है? अब ये उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताऊं जिनको यही नहीं पता कि षड्ज कौन सी श्रुति पर है, पंचम कौन सी श्रुति पर है, मध्यम कौन सी श्रुति पर है, जिन्होंने श्रुति नहीं पढ़ी है उनको दिक्कत आ रही होगी, अदरवाइज इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। बताओ एक बार थम्स अप करो, क्लियर है? श्रुति के नाम भी याद हो गए मैम, होंगे कैसे नहीं, इतनी बार करा चुके हैं तुमको। चलो, शुद्ध सारंग के आरोह और अवरोह में किस स्वर का प्रयोग नहीं होता? स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझ लेना एक बार क्या है, वरना इतने एक्साइटमेंट में सीधा आंसर लगा दो। आरोह और अवरोह दोनों में पूछा गया है किस स्वर का प्रयोग नहीं होता, गंधार का, मध्यम का, धैवत का या फिर निषाद का, बताओ भाई किसका नहीं होता शुद्ध सारंग में। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसमें धैवत भी वर्जित है, इसमें क्या है आपका, धैवत वर्जित है। अब बताओ आंसर क्या है, स्पीड हो गई कम। अब एक बच्चे ने, दो अच्छे बच्चों ने, काफी ने आंसर कर दिया। अब आएगी लाइन लगा के, पंकज सी, हाँ धैवत वर्जित है तो धा लगा दिया। अरे महारथियों, केंद्रीय विद्यालय के भावी अध्यापक को मैंने बोला है इसमें धैवत भी वर्जित है, इसका मतलब एक और स्वर वर्जित है, वो है आपका गंधार। गा और धा वर्जित है आरोह में, लेकिन गंधार वर्जित है आपका आरोह और अवरोह दोनों में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा मैम ए, गंधार। समझ गए, समझ गए ना प्रियंका? बेटा राग कब पढ़ाओगी आप, राग तो मैं पढ़ा चुकी हूं, सारा राग करा दिया है। शुद्ध कल्याण का सम प्रकृतिक राग क्या है, शुद्ध सारंग, विभास, भूपाली या फिर शंकरा, बताइए शुद्ध कल्याण का संप्रकृतिक राग क्या है। मैंने बताया था भाई दो रागों से मिलकर बना है, अब जल्दी से बता दो इसका संप्रकृतिक राग क्या है, और गलत बताया ना तो फिर बस लड़ाई हो जाएगी आपसे। कई सब बहुत किताबें हैं, सब में अलग अलग मिलता है। अरे पंकज, अलग अलग बुक्स में अलग अलग बोला जाता है। बात कर रहे हो आप शुद्ध सारंग की बात हो रही है ना। अब बताओ शुद्ध कल्याण का संप्रकृतिक राग क्या है, सी सी सी, बहुत बढ़िया। क्या है आपका, भूपाली। किसके मेल से बना है, दो रागों के से, भूपाली और कल्याण। आगे देखो, राग ललित में किस स्वर का प्रयोग नहीं होता, ऋषभ का, गंधार का, पंचम का या फिर धैवत का। थोड़ा सा शेयर यूज कर लूं, वैसे टाइम नहीं है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर जल्दी से बताओ इसका बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वर्जित, मानी वर्जित है भूपाली में, बहुत बढ़िया। आंसर करिए इसका जल्दी से, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, किसी को नहीं बताओ, लाल, मैंने आपको राग ललित की एक वो बताई थी, अगर स्वर संगति आ जाएगी तो दोनों मध्यम, दोनों मध्यम जिसमें पास पास होंगे, और पूछा जाएगा ये किसकी है? पूछी जा चुकी है, हो सकता है पूछी भी जाए, तो आप क्या बताएंगे, ललित बताएंगे, आपको नहीं पता क्या चीन है, लेकिन तीव्र और शुद्ध जब दोनों मध्यम साथ आएंगे तो ये होगा आपका ललित। चलो बहुत बढ़िया, राग ललित में किस स्वर का प्रयोग नहीं होता, तो वो होता है बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचम का। कौन सा राग उत्तरांग प्रधान है, बताओ उत्तरांग प्रधान कौन सा है। अब मान लो नहीं पता आपको कि इसमें से कौन सा है, ठीक है,
आधे बच्चों को तो पता नहीं कि कौन सा है, लेकिन कुछ ऐसी शक्ल सी दिख रही है ना, दो राग ऐसे दिख रहे हैं बिल्कुल सिमिलर हैं। और आपको पता है कि वादी संवादी, समय हमको नहीं पता भाई क्या है, हम नहीं जानते इनका समय क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं इनके वादी संवादी क्या है। ए सी सी सी, बहुत बढ़िया। तो भाई जो शुद्ध कल्याण वाले हो, ये कैसे बता रहे हो आप इसको? उत्तरांग प्रधान, पूर्वांग और उत्तरांग, यानी कि वादी संवादी जब सप्तक के पूर्व अंग से लिया जाए, वो पूर्वांग उत्तर से लिया जाए तो वो उत्तरांग, तो जब पूर्व से लिया गया है तो भाई वो उत्तरांग प्रधान कैसे हो सकता है? तो पूर्वांग प्रधान है गंधार और धैवत वादी संवादी। गंधार और धैवत, धैवत और गंधार, देशकार, देशकार का क्या हो जाएगा? धा और गा, तो क्या हो गया भाई? ये है आपका उत्तरांग प्रधान राग। चलिए आज आपके हमने काफी किए हैं, कल 65 से छोड़ा था, आज भी 65 के अप्रोक्स सबके क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ जी, अब बताओ क्वेश्चंस कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, और क्लास बिल्कुल बोरिंग तो नहीं लगी ना? आज इतने ही करेंगे, कल तक आपके पीवाईक्यूज खत्म। और स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए बहुत जल्द, टाइपिंग के लिए मैंने आपके क्वेश्चंस दे दिए हैं, आपको 10 प्रैक्टिस सेट मैं प्रोवाइड कराऊंगी आपके एप्लीकेशन पे, जितने मैं आपको सॉल्व करा पाऊंगी उतने सॉल्व कराएंगे, जब तक एक मैराथन लगाएंगे अभी पर समय रहा तो, वरना आपको सारे प्रैक्टिस सेट्स, आपको 10 प्रैक्टिस सेट्स आपके एप्लीकेशन पे मैं प्रोवाइड कराऊंगी बहुत ही जल्द। अब जो इजी वाले हैं ना, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके मुझे बताना, और आंसर मैं नहीं दूंगी किसी का भी, आपको खुद ढूंढना है, खुद करना है, सॉल्व करना है। सौरभ साहू तो गलत हुए, क्यों? इतने इजी क्वेश्चन भी आपके गलत हो रहे हैं। अब ये तो ये पीवाईक्यूज थे, केवीएस आपको कैसा लग रहा है? अब इस पेपर से भी डर रहे हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे हैं, फिर जब मैं अपनी क्लास में कराती हूँ कि मैम मेरे इन्हीं से एनालाइज करके बच्चे आपको क्वेश्चन कराया जाता है। सबसे पहले आप करेंगे म्यूजिक, जो भी स्टूडेंट्स पेपर सॉल्व करने जा रहे हो भाई, 180 का है आपको पता है, सबसे पहले क्या पकड़ोगे? संगीत पकड़ना। अगर संगीत में क्वेश्चन स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन तुमने सटाट सही करे ना, कॉन्फिडेंस लेवल होगा यहाँ पे। और स्टार्टिंग कोई सब्जेक्ट पकड़ लिया, पकड़ के ले आए करंट अफेयर्स, कर दिए 5 क्वेश्चन गलत, आधा समझ लो वहीं, ठीक है ना? तो सबसे पहले म्यूजिक पकड़ना है, म्यूजिक में करके आओगे जब 90+ का स्कोर, अरे फिर तो मैम सारा पेपर कौन रोक लेगा सिलेक्शन होने से। म्यूजिक के बाद करना हिंदी, और हिंदी जिसकी अच्छी है वो हिंदी करोगे, इंग्लिश जिसकी अच्छी है वो इंग्लिश करोगे। और अगर ये नहीं तो रीजनिंग उम्मीद करती हूँ कि सभी की बहुत अच्छी होगी, फिर करोगे रीजनिंग। उसके बाद लास्ट में पकड़ना करंट अफेयर्स, कम है हिताब का। प्रैक्टिस सेट पे जब कल तक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, कल तक आपके प्रैक्टिस सेट आप मिल जाएंगे, कल शाम तक या कल रात तक, ठीक है? आज टाइपिंग के लिए मैं आपके दे चुकी हूँ। अरे देवी जी, ये कौन सा उत्तरांग प्रधान राग है? देखो उत्तरांग प्रधान क्या है, जिसका वादी स्वर सप्तक आप जानते हो, सा से लेके नी, जो हो गया आपका सा से सा तक आपका क्या होता है? ऑक्टेव होता है, एक सप्तक पूरा हो गया। अब सारे गामा, इनमें से अगर आपका कोई वादी स्वर है तो आप क्या बताएंगे? पूर्वांग प्रधान है। और सप्तक के उत्तर अंग से अगर आपका कोई वादी स्वर है तो आप बताएंगे उत्तरांग प्रधान है। देशकार का वादी क्या है? देशकार का वादी है आपका धैवत, तो ये क्या है? सप्तक के दूसरे पार्ट में से है ना, सप्तक के दूसरे पार्ट में से, इसलिए ये हो जाएगा बेटा आपका उत्तरांग प्रधान राग। और इसका क्या है? गंधार है, ये क्या है? फर्स्ट पार्ट में से है ना, पूर्व अंग में से है, तो ये पूर्वांग प्रधान हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, दे देंगे, तुम लो तो तुम जॉब ले लो, गिफ्ट क्या आपको पार्टी देंगे? ऐसा लगता है जैसे मेरे को जॉब मिल रही है। हाँ सैलरी मेरे अकाउंट में सेंड किया करोगे तुम लोग अपनी, बिल्कुल। मैम हमें भी दे दो प्रैक्टिस। चलो बेटा एग्जामपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना आप लोग, और मैं अभी बात करती हूँ, उसमें जो फ्री स्टडी मटेरियल है वहां पे जाके चेक कर लेना। अरे ऐसे मत तो, हमें भी दे दो, करते ही किसके लिए है तैयारी? हाँ आप लोगों के लिए तो है।
अच्छा मेरा ऑफिस देखियो। चलिए तो अब बताइए किसी तरीके की कोई डाउट, और एक बार बता दो हाउ्स योर जोश, जोश में कोई कमी तो नहीं है ना? पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाओगे, एकदम मोटिवेटेड रहना है, बढ़िया तरीके से एग्जाम देना है, सोच के जाना इस बार सिलेक्शन लेकर ही आएंगे। और गाइस आपकी 12 बजे कहाँ पे क्लास होती है? एमपी एग्जाम्स एग्जाम तौर पे होती है, तो जिसको तैयारी करनी है भाई आ जाना, ऐसा नहीं है मेरा कोई बेनिफिट है उसमें, मैं आपको कहती हूँ पेपर आपका नजदीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एक क्वेश्चन के चार क्वेश्चन वैसे ही क्लियर हो जाते हैं, थोड़े अलग क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। चारू सैनी, सारी चीजें बेटा मैम से ही ले लो, आप ये भी बोल दिया करो मैम पेपर भी आप ही दे आइए, मेहनत कर लो थोड़ी सी। हाँ ओके, ये तो पेपर में पता लगेगा नाइट कैसा है। चलो तो इसी के साथ बेटा करते हैं अपनी क्लास को वाइंड अप, मिलते हैं आपसे 1 घंटे बाद आपके एमपी एग्जाम्स और एग्जाम बोर्ड पे, तो सारे स्टूडेंट्स वहां पे जुड़ेंगे हमारे साथ, तैयारी करेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है वहां पर भी, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स। गुंजन